This conference स्टार्ट will करते हैं now be इसको, recorded. बाद में उसमें डिस्कशन करना, नहीं अब अपने कर लोगे, लिव इट आप ही को कह रहा हूँ। तो कल का जो डिस्कशन था थोड़ा सा रिकैप करते हैं, बच्चा आप भी देखिए जरा। हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राई किया था समझने के लिए कि हम प्रोग्राम क्यों बनाएंगे, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सोल्यूशन क्या निकला था, प्रोग्राम क्यों बनाएंगे, क्योंकि भी आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग आप जब जॉब करोगे तो आपका जॉब मोस्टली क्या होगा, प्रोग्राम वाला। हम लोग बोलते हैं कि जितना भी स्टूडेंट जॉब करता है, मैं पूछता हूँ कि सर मैं प्रोग्रामर पे हूँ, प्रोग्रामर की पोस्ट पे हूँ। तो प्रोग्रामर का रोल क्या होता है कनक, क्या बात है, प्रोग्रामर का रोल डेटा को जा। प्रोग्रामर क्या करेगा, आप प्रोग्रामर हो गए तो आपका काम क्या होगा, डेटा को मैनेज करना कि प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाना। दो मिनट वेट, प्रोग्रामर का काम सिर्फ प्रोग्राम बनाना, और कुछ इसमें एक्स वाई जेड मत जोड़िए। यू आर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का मतलब क्या होता है, एक्टर का मतलब क्या होता है, एक्टिंग करने वाला। क्रिकेटर का मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला। तो प्रोग्रामर का मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम बनाने वाला। उसमें और क्या जोड़ना है, कुछ और क्या, एकदम आप लोग टेक्निकल बन गए। और हमने बोला प्रोग्रामर का रोल क्या है, तो डेटा, यहां से डेटा आ गया इसमें। प्रोग्रामर का सिंपल रोल है बच्चा, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। तो आपको भी क्या बनाना होगा, प्रोग्राम, यानी मैं आपको यहाँ क्या सिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए बच्चा आपको लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है, या तीनों यूज करना पड़ेगा। तो पहले अभी हम क्या सीख रहे हैं, लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, जावा। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी विच लैंग्वेज वी विल डू प्रोग्रामिंग, जावा लैंग्वेज। जावा के बारे में मालूम है आपको, जावा 1995 में लॉन्च हुई थी और 1996 में इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था, जेडीके 1.0। बाहर जाके बात कर लीजिए, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्रोग्रामर का काम होगा प्रोग्राम बनाना, और प्रोग्राम क्यों बनाएगा, प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा डेटा से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब प्रोग्राम किस लिए होगा, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, दैट प्रोग्राम विल परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा। टास्क अलग अलग हो सकता है बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या हो सकता है, टास्क हो सकता है, वो टास्क डेटा से रिलेटेड होगा। और इसके लिए डेटा प्रोग्राम कहाँ रखेगा, मेमोरी में। तो मेमोरी में प्रोग्राम को डेटा रखने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल, कंटेनर चाहिए, और उसी कंटेनर को क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्रिएट करने का, यानी मेमोरी में स्पेस रिजर्व करने का क्या लिखना पड़ेगा, कमांड, और वैल्यू असाइन करने का कमांड। तो वही हम लोगों का कल टॉपिक चल रहा था, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल, कमांड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। दो इंपॉर्टेंट कमांड था, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड एंड वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड। जो हमने ये कमांड लिखा था, कमांड का वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, ये कमांड का वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कमांड कैन बी रिटन लाइक दिस। अब एक क्वेश्चन मेरा आएगा कि अगर ये कमांड रन करेगा तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, ये व्हाट इज गुड नेम, अंतरा, टेल मी व्हेन दिस कमांड विल रन। हर कमांड रन करने पर बच्चा कुछ ना कुछ होगा, ये कमांड रन करने पर क्या होगा, ये कमांड रन करेगा, रन बोले तो एग्जी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने पर क्या काम होगा सर, ये जब रन करेगा ये इंट जो नम है, इंट जो नम नहीं है, कमांड है, हाँ, ये कमांड है। इसमें ये पहला कमांड वेरिएबल क्रिएट करने का है, दूसरा कमांड वैल्यू असाइन करने का। इसका सिंपल मतलब हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें वैल्यू असाइन होगा, सिंपल कमांड पहचान है। इस कमांड विल क्रिएट अ वेरिएबल एंड दिस वन, ये वाला क्या करेगा, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा। तो ये वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है बच्चा, और ये वेरिएबल को वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये कमांड रन करने पर कंपाइल नहीं, लेकिन पहले ये कमांड क्या होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल एक बार होता है, रन हजारों बार करें। कंपाइल दोबारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोई चेंज ना किया जाए। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो ये कोड दोबारा कंपाइल नहीं किया जाएगा।
कोई भी कोड आप लिखोगे, कंपाइल करते वक्त कब पड़ता है, जब आप कोड में क्या करें, चेंजेस करें, ठीक है ना। तो कंपाइल विल, कंपाइलेशन विल बी डन ओनली वन। कंपाइलेशन का पर्पस क्या होता है खाना, कोड को जो कंपाइल करते हैं उसका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ, कोड लिखने के बाद कंपाइल भी किया जाता है, हम बार बार देखिए अभी कोड लिख के दिखाएंगे आपको। तो पहला काम क्या होगा, कंपाइल करना, फिर उसके बाद रन कराना जरूरत पे पड़ेगा। नो नो, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आंसर देगा, ठीक है ना। बताइए कंपाइल करना क्या होता है, एनीबडी ऑनलाइन व्हाट इज कंपाइलेशन, कैन एनीबडी टेल मी, दोज़ हू आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, कैन यू टेल मी व्हाट इज कंपाइलेशन। जब भी हम कोई कोड लिखेंगे, प्रोग्राम नहीं बनाते, पहले क्या लिखते हैं, प्रोग्राम का सोर्स कोड। तो जब भी हम सोर्स कोड तैयार करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा बच्चा, उस सोर्स कोड को क्या करना, कंपाइल करना, तब वो रन करेगा, बिना कंपाइलेशन के रन के लायक होगा ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन होगा कंपाइल क्यों करते हैं, या कंपाइलेशन क्या होता है, प्राची कैन यू टेल मी। कंपाइलेशन का सिंपल प्रोसेस होता है, जो आपने कोड लिखा है उसको रन के लायक बनाना, उसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिबल बनाना, यानी सोर्स कोड को एग्जीक्यूटिबल कोड में बदलना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपाइलेशन, यानी कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटिबल कोड, यानी जो कोड आप लिखते हो, जैसे मैंने ये कोड लिखा है ना, ये एग्जीक्यूटिबल नहीं है, बट यही कोड एग्जीक्यूट करेगा, बट इसे एग्जीक्यूटिबल कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल यानी एग्जीक्यूट से लायक कौन बनाएगा, कंपाइल। तो जो भी कोड आप लिखेंगे उस कोड को एग्जीक्यूटेबल कौन बनाएगा, कंपाइलर बनाएगा। दिस इज द रोल ऑफ कंपाइलर, राइट। कंपाइलर का काम क्या होता है, जो कोड आप लिखेंगे उस कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाना। अभी तक आपको ये नहीं मालूम था ना, ये सब तैयार करना पड़ेगा। बेसिक चीजें अगर नहीं मालूम होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न प्रोग्रामिंग। अगर आपको चीनी और चाय के पत्ती के बारे में नहीं मालूम है, हो सकता है आप देख देख के चाय बना दें, लेकिन बहुत अच्छी चाय बनेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले तो आपको चाय के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली टी इज, देन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता करिए। और हम लोगों को अभी बेसिक चीजें नहीं पता होता, सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, रन कराना क्या होता है। रन जैसे खाना बनाना क्या हो जाएगा, सोर्स कोड यानी कंपाइल करना, एक तरीके से आने को खाना क्या हो जाएगा, रन कराना। जरूरी नहीं है कि कंपाइलेशन के बाद आप रन कराओ, रन करा के, रन तो यूजर कराएगा ना, जिसके लिए प्रोग्राम बना। तो हम कोड लिखते हैं बच्चा, अभी हम लिखेंगे, आपने देखा होगा कल भी किया था परसों भी किया था, बट दैट इज नॉट योर प्रोग्राम, दैट इज सोर्स कोड ऑफ योर प्रोग्राम। प्राची जो बच्चा आप कोड लिखते हो, अभी जो तुम लोगों ने कोड लिखा है, दैट कोड इज नॉट प्रोग्राम, that is only first part of the program and that part is called what, source code of the program। ठीक है, आपको समझ रहे हैं बच्चा, जो हम लिखते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं, C language में देखा होगा hash include stdio dot h void main curly brace open किया, उसके अंदर ढेर सारे का लिखे कमांड, वो सब क्या था, हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड था। अगर हम खाने को प्रोग्राम माने तो जो इनग्रीडियंट्स होगा वो उसका क्या होगा, सोर्स कोड होगा। दुनिया में कोई भी चीज बिना सोर्स के नहीं बनेगी। अगर ये टेबल बना होगा तो इसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा, लकड़ी रही होगी, लोहा रहा होगा, इन सब से मिला के ये क्या हुआ होगा, बना होगा। अगर ये सोर्स कोड नहीं होता तो टेबल की एग्जिस्टेंस होती, यानी किसी भी प्रोग्राम की एग्जिस्टेंस किससे होती है बच्चा, सोर्स कोड से। लेकिन केवल सोर्स कोड को प्रोग्राम नहीं कहा जाएगा, तब कंपाइलर का रोल आएगा, यानी लकड़ी और लोहे की मदद से जो टेबल बनाया गया उसमें कौन आया, कारपेंटर, कौन आ गया। तो यहाँ पर कारपेंटर का रोल कौन करेगा, कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम होगा इसको यूज करने के लायक बनाना, यानी जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो हमारे प्रोग्राम नहीं बना दी, उसे प्रोग्राम में बदलेगा कौन,
कंपाइलर, क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें यू मस्ट नो गाइस। अगर ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रन प्रोग्रामिंग। हो सकता है आप देख देख के लिख लो, कंपाइल भी कर लो, रन भी करा लो, आपका काम हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत बचा। बेसिक चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब कंपाइलेशन का मेन पर्पज होता है बच्चा, जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसे रन के, क्योंकि वो रन करना है, रन यानी कंप्यूटर उसे रन कराएगा, तो रन के लायक बनाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट के लायक। कौन बनाएगा? कंपाइलर। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज यू कंपाइलर। कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो हमने JDK आप लोगों से इंस्टॉल करवाया है, एक्चुअली उसमें मेन कंपोनेंट क्या है? कंपाइलर। एक बार इंटरव्यू में जब बच्चों से पूछ लिया गया था कि जावा के कंपाइलर का नाम बताइए, क्या नाम है कंपाइलर का? कनक। JDK आप बताइए, आप बताइए, आप प्राची कंपाइलर का नाम बताओ। ऑनलाइन कौन कंपाइलर का नाम बता सकता है? कंपाइलर का नाम बता सकते हैं आप लोग ऑनलाइन? जावा के कंपाइलर का नाम बताइए। अब रुक जाइए, अब आपने अपना आंसर दे दिया। JVM। JVM, शीतल कह रही है JVM। कंपाइलर का नाम है जावा सी, JAVAC। जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कोड लिखते हैं आप लोग, क्या कोड लिखते हैं पता आपको? ये कोड अभी तक आपको नहीं समझ में आया, खाली रट्टा मार के लिख दिया था। ये कोड किस लिए लिखा जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट पे किस लिए लिखते हैं जी? बताए ना, कंपाइल करने के लिए। तो फिर इसमें जावा सी क्या हुआ? हमारा कंपाइलर हुआ, हमारा ये फाइल है जिसमें सोर्स कोड लिखा है, ये कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल देगा। JDK तो हुआ जावा डेवलपमेंट किट, वो तो किट है बच्चा। कंपाइलर जब इंस्टॉल करोगे किट, किट लाओगे ना, लैपटॉप में रखोगे ना, रखने को क्या बोलते हैं? इंस्टॉल करना। यानी तुम अपने घर में अगर एयर कंडीशनर लगाना चाहते हो तो बंदा कहता हमारा बंदा जाएगा इंस्टॉल कर देगा। वही लगाने को क्या कहते हैं? जिसे तुम उसे यूज कर सको, इंस्टॉल कर देगा। कभी आप वाटर प्यूरिफायर लगाओ ना तो बंदा आके क्या करेगा? आपके घर में वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करेगा, जिसे आप उसे क्या कर सके? यूज कर सके। तो आपको केवल कंपाइलर ही नहीं दिया गया यूज करने के लिए, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग। तो वो सब किसके अंदर आता है? JDK के अंदर। उसके अंदर रन कराने वाला भी टूल है, डेवलपमेंट वाला भी है और रन वाला। और कंपाइलर का नाम तो मैंने शुरू शुरू में भी आपको बताया था, रोज आप अभी कल भी कोड लिखा था प्राची, जावा सी और सी नमो, सी में भी लोगों सीखा है कंपाइलर, इसलिए जावा सी लिखा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी पुराना ही नहीं गड़बड़ा रहा है और उसको ये कंपाइलर, दो मिनट रुक जाइए। वो कंपाइलर आपको कहाँ मिलेगा? जब आप JDK इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम से फोल्डर बनता है, उसके अंदर JDK नाम से फोल्डर बनता है, उसके अंदर बिन नाम से फोल्डर बनता है, उसी के अंदर जावा सी होता है। ये देखिए EXE कंपाइलर भी एक प्रोग्राम होता है, इसी का तो पाथ सेट किया था, तभी तो यूज कर पा रहे थे CMD पे। यही हमारा कंपाइलर है बच्चा। शीतल, JVM हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है, वो प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज होता है। जो प्रोग्राम बना, प्रोग्राम किसने बनाया? कंपाइलर ने। अब वो रन करेगा, रन करने में हेल्प कौन करेगा? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये आपका कंपाइलर है जिसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ जावा सी, है ना? JDK नहीं जी, JDK तो हम इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। और केवल कंपाइलर नहीं चाहिए आपको जब आप प्रोग्राम बनाओगे जावा में, बहुत सी चीजें चाहिए, लेकिन उसमें मेन कौन है? कंपाइलर। कंपाइलर के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में, टर्बो सी का नाम सुनोगे आपने, सी उसमें क्या था? कंपाइलर था। और मैंने जो सी का कंपाइलर डाला है वो GCC डाला है। हर कंपाइलर के नाम में आपको सी नजर आएगा, इसे पता चले कि ये कंपाइलर है। सी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? कंपाइल, कोड लिखते हैं जो उसको कंपाइल करना है, तब जाके बनता है प्रोग्राम। और मैंने एक डेमो दिया था आपको सी लैंग्वेज का भी,
बात किया था, कंपैरिजन किया था, दिखाया था आपको। ठीक है, तो कंपाइलर को पहचाने आप। तो वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड हमने कल सीखा था। असाइन करने में आपको कुछ चीजें बताई थी, वैल्यू असाइन कीजिएगा उसका टाइप वही होना चाहिए जो वेरिएबल का टाइप है। अगर हमारा वेरिएबल नम का टाइप क्या है, इंट, और इसमें हम असाइन कर दें 9090, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो डबल कोट्स में आपने लिखा ये वैल्यू हो गई और ये नम हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। हमने कमांड क्या लिख दिया, हमने कमांड लिख दिया कि नम नाम के वेरिएबल में 9090 असाइन करो, लेकिन पहले ये कोड कंपाइल होगा, पहले रन नहीं करेगा, कंपाइलर यहाँ कहेगा एरर, एरर दे देगा। देखो जब कंपाइल होगा बच्चा, रन के लायक जब बनाएगा तो कोड देखेगा भी तो कंपाइलर, कहीं कोड में कोई एरर तो नहीं है, ये थोड़े बोलेंगे कि एरर चेक करेगा, वो तो कंपाइलेशन का क्या है, एक पार्ट है। चाय बनेगी तो चाय में चाय की पत्ती डाली जाएगी कि नहीं डाली जाएगी, बोलिए डाली जाएगी। अगर मैं बोलूं कोई बंदा चाय बना रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, चाय की पत्ती डाल रहा है कि चाय बना रहा है? चाय बना रहा है। मेन काम क्या है, चाय बना। इसी तरह मेन काम क्या होगा, कंपाइल करना, और जब कंपाइल किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे कोड में एरर भी चेक किया जाएगा और कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बदला जाएगा। यानी जो कोड आपने लिखा है दैट कोड इज रिटन इन जावा लैंग्वेज, कंप्यूटर जावा लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। कंपाइलर का एक काम और क्या होगा, आपके कोड को मशीन यानी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मशीन, तो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बदलना, दैट इज आल्सो एन एक्टिविटी ड्यूरिंग कंपाइलेशन। एरर चेकिंग इज व्हाट, एन एक्टिविटी ड्यूरिंग कंपाइलेशन, यानी जब कंपाइलेशन होगा कोड का, एक एक्टिविटी क्या होगी, एरर चेक किया जाएगा। दूसरा एक्टिविटी क्या होगा, आपके कोड को मशीन यानी जो कंप्यूटर समझ सके, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बदले। यहाँ पर एरर क्यों आएगी अंतरा, क्योंकि सर वो जो डबल कोट्स है वो स्ट्रिंग में जाएगा, जाएगा नहीं, जो डबल कोट्स के अंदर हमने वैल्यू लिखी है उस वैल्यू का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और नम को कैसा वैल्यू चाहिए, इंटीजर चाहिए। एरर आप उल्टा बता रही हूँ, आप बताइए नम को जो वैल्यू चाहिए इंटीजर चाहिए, और हमने जो वैल्यू असाइन करने के लिए बोला है दैट इज स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई एरर विल बी जनरेटेड। यस यस कम, तो क्लास में ही बैठा दोगे, क्लास में ही बैठा दिया, चलो अलाउड तो नहीं है, बट अब लेके आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास क्लास होती है बच्चा, तो बाहर बैठ जाएगा, अरे कोई बात नहीं, बैठ गया तो बाहर बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा क्लासरूम से लेके जाए, प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप प्रोफेशनल लाइफ समझिए। यस सर, आपने उसको फॉलो नहीं किया, That's okay, no problems. ठीक है, are you getting my point? तो ये हो जाएगा क्या? वैसे भी बेचारा बोर हो जाएगा मेरी क्लास में, उसको जावा का जे नहीं मालूम होगा, कहेगा कहाँ फंस गए। तो ये है बच्चा कहानी, समझे आप, कोड को समझिएगा एकदम नहीं समझ में आएगा। देखिए ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, एक नंबर नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और इसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 10। एक कोड रन करेगा तो क्या होगा, एक नम टू नाम से वेरिएबल असाइन होगा, उसको नम टू नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें क्या असाइन हो जाएगा। अब हम लोगों को एक कोड लिख जा रहा है, कोड या कमांड टू टाइप वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करने का कोड लिखना है। अब स्वाइप करना क्या होता है, मैं लेट मी टेल यू व्हाट इज स्वाइपिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है बच्चा, कि जब आगे चल के हम लोग ना बहुत सी एल्गोरिथम, डीएसए का नाम सुना होगा आपने, डेटा स्ट्रक्चर है, तो सॉर्टिंग सुना होगा कभी, सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग कहते हैं बच्चा सर्चिंग को फास्ट करता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है जो डेटा मेमोरी में रखा गया है, डेटा शुड बी केप्ट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉर्टिंग। कोई भी डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा रहती था तो डेटा एक्सेस करना आसान होगा कि नहीं, यूज आसान हो जाएगा नहीं, जैसे आपके पास लिस्ट आई
500 लोगों की, उसमें रेहान अहमद का नाम सर्च करना है। पहला नाम रेहान अहमद नहीं मिला, दूसरा नाम रेहान अहमद नहीं मिला। लेकिन अगर ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता, किताब में आप पहली पोजीशन पे चेक करते रेहान अहमद को? कभी नहीं चेक करते। गुड मॉर्निंग, टेल मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर मेरा नाम क्या होता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया होता, फिर सर्च करना आसान होता है नहीं आपको? आप सीधे आर वाली सीरीज में जाते, तो सॉर्टिंग का जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं बच्चा, वो स्वैपिंग से होता है। कैसे होता है स्वैपिंग? स्वैपिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ रेहान लिखा गया, मान लो ये रेहान है, अगला नाम है अमित, अगला नाम है आलोक, फिर है कुलदीप, फिर है हेमंत। तो अगर मुझे इनकी स्वैपिंग करनी है बच्चा, क्या करनी है? स्वैपिंग। Suppose I want to swap these, swapping कह रहा हूँ, sorting, sorting करनी। तो देखिए, हम लोग तो इंसान हैं, हमारे पास ऊपर वाले ने आँख दी है, हम आराम से देख के बता सकते हैं कि पहली पोजीशन पे अमित आएगा, दूसरी पोजीशन पे आलोक होगा, तीसरी पोजीशन पे कुलदीप होगा, ऐसे करके जो भी है, बी सी डी एफ जी एच, एच पहले आएगा के बाद में आएगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, आप इसमें क्या करेंगे, पहले दो पहले नाम को दूसरे नाम से मैच कराइए कि बड़ा है कि नहीं। फर्स्ट नेम इज ग्रेटर देन सेकंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर और ए के हिसाब से देखिएगा। आर और ए में आर और ए क्या है, आर इज ग्रेटर देन ए, दोनों को हम स्वैप कर देंगे। वही मैं दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू स्वैप। तो स्वैप में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा अमित और यहाँ पर क्या आ जाएगा रेहान, इसी को कहते हैं स्वैप। स्वैप कर दिया ना, दोनों की पोजिशन क्या कर दिया, बदल दिया। यानी ये जो यहाँ पर हमने अमित डाल दिया, इसी को कहते हैं स्वैप कर। यानी अंदर क्या होगा, ये मेमोरी में होगा ना, आयरे में होता है, आयरे की इंडेक्सिंग होती है। तो जीरो इंडेक्स पे रेहान होगा, इंडेक्स वन पे क्या होगा अमित, सिंस रेहान अल्फाबेटिकल ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अमित रेहान से पहले होना चाहिए, तो ये स्वैपिंग करा देंगे। तो स्वैपिंग की क्या एल्गोरिथम होती है, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि स्वैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नम वन की वैल्यू को नम टू में असाइन करना है और नम टू की वैल्यू को नम वन में असाइन करना है। हाउ टू डू इट, 90 नम वन में चला जाएगा? 90 नहीं, गलत बात, मैंने 90 और 10 नहीं बोला है, मैंने कहीं नहीं 90 बोला था, मैंने बोला था नम वन की वैल्यू किस में असाइन करना है, नम टू में, है ना। प्राची कह रही है वी नीड अनदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आपको मैं दो गिलास पानी दे दूं फुल भरा हुआ है, दोनों गिलास की पानी की स्वैपिंग करनी है, कैसे अचीव करिएगा आप बताएंगे, अंतरा कैसे करेंगे? दो गिलास पानी भरा हुआ दे दिया जाए, आपने कहा जाए पहले वाले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालिए और दूसरे वाले गिलास का पानी पहले गिलास में डालिए, कैसे करेंगे? लेकिन नहीं, कैसे करेंगे, मैंने क्वेश्चन दूसरा वाला गिलास का पानी भी तो सर भरा हुआ है। हाँ तो क्या करेंगे आप, कुछ करेंगे सर, एक नया सर दूसरा कंटेनर ले लेंगे, एक तीसरा गिलास लेंगे खाली, क्या करेंगे कैसे करेंगे? और पहला वाला का पानी को तीसरा वाले गिलास में डालेंगे, ठीक, पहला वाला खाली हो गया हाँ। और तीसरे में पहले गिलास का पानी चला गया, फिर हाँ, और फिर दूसरा वाला पहला वाला गिलास में डालेंगे, ठीक है हाँ। तो दूसरे वाले का भी खाली हो गया और तीसरे वाले का पहले, ये तरीका यहाँ पे, नम वन में भी वैल्यू है, नम टू में भी वैल्यू है, तो हमने क्या करना होगा, एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसे टेम्प नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, एम्प्टी है ये, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें क्या असाइन करते हैं, नम वन का वैल्यू, ये हमने कौन सा वैल्यू असाइन कर दिया, नम वन का, यानी पहले गिलास का पानी खाली गिलास में चला गया, अब हम क्या करेंगे, नम वन में नम टू की वैल्यू असाइन कर देंगे, यही तो बच्चे ने बोला था, और फिर नम टू में टर्म की वैल्यू असाइन कर देंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। रंजीत आप कुछ पल्ले पड़ा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। एक एक इसमें इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, डू इट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अक्सर पूछा जाएगा, डू इट यानी यही स्वैपिंग आपको करना है विदाउट यूजिंग, यानी रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है थर्ड गिलास के बिना, बट प्रोग्रामिंग में एक इंटीजर वैल्यू के साथ मैथमेटिकल अप्रोच लगा के पॉसिबल है। कौन सा अप्रोच, हाँ, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नंबर पे नहीं जाती, पानी के गिलास पानी में नहीं लगेगी, इसलिए वहां पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पर पॉसिबल है। आई विल लेट यू नो हाउ टू डू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल,
लेकिन हर वैल्यू के लिए नहीं, केवल कौन सी वैल्यू के लिए, इंटीजर। मैथमेटिकल अप्रोच, एक वेरिएबल में रेहान हो दूसरे वेरिएबल में रोहन हो, दोनों को स्वाइप करना हो तो तीसरे वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कोई मैथमेटिकल अप्रोच इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये इसको करके देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल होगा और दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या करानी है, स्वैप। स्वैप करने का यही कोड रन करेगा, लेट मी शो यू। आज भी मैं अभी नोटपैड ही यूज करूंगा, इक्लिप्स अभी नहीं यूज करूंगा। कहते हैं कि शुरुआत की कोडिंग अगर नोटपैड से कर दो तो आपको कंपाइलर वगैरह के बारे में पता चल जाता है कि कंपाइल करना क्या होता है, रन कराना क्या होता है सोर्स कोड का। अगर मैं डायरेक्ट इक्लिप्स यूज करूंगा तो वहां कंपाइल का ऑप्शन आता ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोड आप लिखते जाओगे बैकग्राउंड में कंपाइल इक्लिप्स करता जाता है, यानी आपको कंपाइल करने के लिए बोलता ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली कंपाइलेशन भी कोई चीज होती है। दैट्स व्हाई आई विल नॉट यूज इक्लिप्स टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इक्लिप्स का इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। कि कभी कितना बड़ा कोड लिखना है यार, हाथ थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस होना चाहिए, इक्लिप्स काफी हेल्प कर देता है। तो किस चीज का कोड लिखने जा रहे हैं, स्वैप करना है दो वेरिएबल की वैल्यू। अपनी क्लास का नाम क्या दे दिया, स्वैप वैल्यू। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है, अब हम यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करेंगे एंड दैट वुड बी मेन मेथड। और आपको पता है ना स्ट्रिंग नहीं यार, क्या स्ट्रिंग रखा मार रहे हो, इसको आर्गुमेंट। मेन मेथड के बिना दिस इज द नेम ऑफ मेन मेथड, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड एंड दीज आर द मॉडिफायर्स। और ये इसके अंदर क्या है, ARGS आर्गुमेंट है जिसका टाइप स्ट्रिंग है, ये इसका टाइप हो गया, एरे होता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे स्ट्रिंग टाइप एरे बोलिएगा, आर्गुमेंट क्या है स्ट्रिंग टाइप एरे है। बच्चा आगे आएगा ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। तो नाउ हमारे पास अब ये दो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या साइन कर दिया, हम चाहे तो कॉमा लगा के यही दूसरा वेरिएबल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर सेम टाइप के वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का और वैल्यू असाइन करने का एक सिंगल कमांड भी हो सकता है, यानी ये कमांड रन करेगा तो नम1 नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा उसमें 90 असाइन हो जाएगा, और नम2 नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें क्या असाइन हो जाएगा 30। तो इस कमांड के रन करने से एक नम1 नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा उसमें 90 असाइन हो जाएगा, और एक num2 नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा उसमें क्या असाइन हो जाएगा 30। अब व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज, चलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं एक आउटपुट आपको। सिस्टम, मेरी आदत है क्लिप की, एक्चुअली क्लिप में 300 लिखने के बाद ना कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरा लिख जाता है, तो चूंकि मैं और मेथड में क्लिप से कराता हूं तो यहां भी आदत हो गई क्या 300 के। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, सिंपल मैसेज आपको दे रहा हूं क्या, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। कि जो हम वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वैल्यू बिफोर स्वाइपिंग वो भी डबल कोट्स के अंदर, तो हम सिर्फ प्रिंट वाली कमांड अगर यूज करें तो ln ना यूज करें तो। पहली बात तो कमांड नहीं है, क्लियर लेट में क्लियर इट, मेथड है कॉल करते हैं, दो मेथड है प्रिंट और प्रिंट एनल। प्रिंट एनल मेथड का स्पेशलिटी क्या है, वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद लाइन ब्रेक कर देगा, और प्रिंट मेथड लाइन ब्रेक, मैं आउटपुट में लाइन ब्रेक करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैसेज आवे कौन सा, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग और उसके बाद नम वन और नम टू की वैल्यू क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। यहाँ मैंने लिख दिया नम वन इक्वल टू प्लस, क्या लिख दूंगा नम वन, तो ये आउटपुट क्या आउटपुट देगा, नम वन लिखा होगा मैसेज में, क्या लिखा होगा नम वन इक्वल टू, और उसके आगे क्या कर दिया जाएगा, वेरिएबल नम वन का वैल्यू कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और यहाँ पर नम टू का वैल्यू। अभी मैंने स्वैपिंग का कोड नहीं लिखा है, मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा, कहाँ सेव करूंगा आपको मालूम है, आई हैव अ फोल्डर हियर, द फोल्डर इज वेरिएबल, कहाँ गया मेरा फोल्डर, और इसके अंदर इसका नाम क्या रख दूंगा फाइल का, स्वैप वैल्यू डॉट व्हाट, क्या हुआ अभी स्वैप का कोड नहीं लिखा याद रखिएगा। तो दैट पाथ, दिस इज माय फोल्डर वीकेंड फोर 10 to 12 वेरिएबल्स,
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सीएमडी स्टार्ट करूंगा, दावासी, यही कंपाइलर दावासी, और मेरी फाइल का नाम क्या है, स्वैप वैल्यू डॉट जावा, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन कराइए, आउटपुट में देखिए आएगा आएगा, पहली लाइन में आएगा वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, फिर वैल्यू शो कर देगा, राइट। थोड़ा आउटपुट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये आउटपुट का पार्ट नहीं याद रखिएगा, स्वैपिंग का पार्ट नहीं है, वो कहते ना खाना को थोड़ा थाली में परोस के अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, अच्छे। देखिए स्वैपिंग से पहले नंबर वन का वैल्यू क्या है, 90 है, और नंबर टू का वैल्यू क्या है, 30। अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, स्वैपिंग का कोड। तो स्वैपिंग का कोड क्या होगा, एक टेम्प नाम से क्या क्रिएट कराएंगे, वेरिएबल, इसमें क्या साइन कर देंगे, नंबर वन की वैल्यू, फिर नंबर वन में क्या साइन कर देंगे, बस चलो नंबर टू की वैल्यू, फिर नंबर टू में क्या साइन कर देंगे, टेम्प की वैल्यू, क्लियर है। अब स्वैपिंग अगर हो गया तो मैं दिखा दिया जाए वैल्यू भी फिर से, तब देखिएगा सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्या, वैल्यू आफ्टर, क्लियर है ना, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा कर दिया मैंने, बस खाली देखने में आउटपुट क्या लगे, थोड़ा सुंदर लगे। देखिए कंपाइल फिर से करिए, रन कराइए, आउटपुट देखिए आप, बिफोर स्वैपिंग क्या था, नंबर वन का वैल्यू 90 और नंबर टू का वैल्यू क्या था, 30। आफ्टर स्वैपिंग देखिए क्या हुआ, नंबर वन का वैल्यू 30 और नंबर टू का वैल्यू 90, यानी स्वैपिंग हो गया। This is the way you can swap the value of two variables, right? संजीता कुछ पढ़ ले पढ़े तुमको? ये मैसेज वैसेज पे मत जाना, वो जो मैसेज वगैरह मैंने देखा है वो ये लगा दिया है माइनस इक्वल वाला साइन, ये तो खाली आउटपुट पर थोड़ा क्या करने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए, और ये वैल्यू कॉन्कैटिनेट करके शो कर रहे हैं हम लोग, बच्चा कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसको। ऑनलाइन एवरीवन क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। स्वैपिंग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्वैपिंग बहुत करनी पड़ेगी आगे चल के, जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ताजे से सॉर्टिंग वगैरह, सॉर्टिंग सर्चिंग सुना होगा आपने, एल्गोरिदम बड़ी खतरनाक होती है, बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, फिट सॉर्ट होता है ना, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, कोई भी सॉर्टिंग आप एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करिएगा, स्वैपिंग के बिना पॉसिबल नहीं होगा, और स्वैपिंग का ये तीन लाइन का कोड है, ये टेम्प हमारा क्या है, वही थर्ड ग्लास है एम्प्टी वाला, और इसमें पहले ग्लास नंबर वन का वैल्यू असाइन कर दिया, और नंबर वन में नंबर टू का, और नंबर टू में टेम्प का, क्लियर। बाकी जो मैंने लिखा हुआ वो तो मैसेज के लिए लिखा हुआ, मैसेज वाला बहुत फोकस मत करिएगा, अब पूरा कोड मत लिखिए आप लोग, सिर्फ देखिए स्वैपिंग का मेन कोड क्या है आपका ये, बाकी चाहे तो फोटो क्लिक कर ले तो आपके लिए कोड एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, कॉपी में लिखने में क्या दिक्कत होगा, इतना बड़ा कोड हो सकता है आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दे और वही कॉपी में जाके लिख दे, बेहतर होगा कि हाँ वैसे भी मैं कोड भेज दूंगा शाम में, लेकिन क्लिक कर लीजिएगा तो रास्ते में देखने में कहीं फोटो, जैसे मोबाइल फोन हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब और फालतू की चीजों में, हम यही देखते रहेंगे कोड में अगर वक्त मिलेगा, ये कोड हमारा क्या है रंजीता, है ना फोन सर, तो फोटो क्लिक कर लो, फोन में ही क्या बात है, फोन खोलती नहीं है, खोलती हूँ सर बहुत कम एक्चुअली, फोन का वैसे भी कोड मैं भेज दूंगा पता ही आपको, लेकिन फोन का बेनिफिट ये है कि कोड हमारा कब जाएगा लैपटॉप पे ओपन होगा, फोन पे देखा तो हमने कहा चला कोड समझते हैं क्या क्या कोड दिखा के, मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जरा इसका ड्राई रन कर दूं आपको, ड्राई रन समझते हैं आप लोग, आइए ड्राई रन होता है मतलब वह कोड को बिना रन कराए रन कराना, यानी बिना लैपटॉप पे रन कराए कॉपी पे रन कराना क्या कहते हैं, ड्राई रन। तो ड्राई रन कहते हैं जिसको आ जाता है उसकी प्रोग्रामिंग सॉलिड मानी जाती है, तो ड्राई रन कैसे करिएगा, कोड क्या है, कोड में नहीं है ना, इसी कोड का ड्राई रन करूंगा मैं, दिखाऊंगा क्या ये कोड के रन करने से स्वैपिंग होगा, तो हमारे पास इस कोड के रन करने से क्या होगा, मेमोरी में नंबर वन नाम से क्या बन जाएगा वेरिएबल, और इसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी बच्चा 90, कैसे लिख दीजिएगा कॉपी में, देखिए ड्राई रन मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर नंबर टू नाम से वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 30,
अब आइए ड्राई रन, ये वाला पहला कोड, पहला कोड रन कराते हैं। इस कोड के रन करने से क्या होगा, ये तो मैसेज है यार, इसमें क्या देखना, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। मेन ये देखिए, इस कोड से क्या होगा बच्चा, एक टेम्प नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, बोले, और इस वेरिएबल में क्या असाइन हो जाएगा, इंट नम नहीं, नम1 का वैल्यू, इंट नम असाइन होगा जी, ये नम1 का वैल्यू असाइन करेगा अंतरा, और नम1 का वैल्यू क्या बच्चा, इंट नम नहीं असाइन होगा, इंट नम तो कमांड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, टेम्प में क्या वैल्यू आ गई, यानी ये कोड रन किया तो टेम्प में 9 असाइन हो गया। अब इस कोड का नंबर आएगा, इस कोड से क्या होगा आप बताएंगे, इस कोड पे रन करने से क्या होगा, ये सेकंड वाले नंबर की वैल्यू आएगी, कहाँ आएगी, मतलब इलाहाबाद नम1 में नहीं असाइन होगी, टेक्निकल वर्ड बोलिए, नम2 की वैल्यू आएगी नहीं, नम2 की वैल्यू नम1 में असाइन होगी, नम2 की वैल्यू इस समय देखिए क्या है, नम1 में असाइन होगी तो ये ओवरराइड कर देता है, क्योंकि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू रख पाएगा, तो नम1 में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा बच्चा, 30 हो जाएगा, क्लियर है ना, फिर ये वाला कोड रन करेगा तो इससे क्या होगा, टेन की वैल्यू नहीं, टेंथ खुद की वैल्यू है यार, टेम्प की वैल्यू, ओके, तो टेम्प की वैल्यू नम2 वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। चलो अब क्या नाम है रंजिता, बताओ टेम्प की वैल्यू क्या इसमें, 90 किस में असाइन हो जाएगी, तो नम2 का 30 का क्या होगा, ये विदा हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 30 हटेगा, उसकी जगह क्या जाएगा, स्वैप हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों कोड के रन करने से वैल्यू स्वैप हुआ कि नहीं, अरे देखो ना नम1 में क्या असाइन हो चुका है, क्या स्टोर हो चुका है 30, और नम2 में क्या स्टोर हो चुका है, इसका मतलब इस कोड के रन करने से दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, इसी को ड्राई रन कहते हैं। नम1 में स्टार्टिंग में क्या था, 90 था, अब चेंज हो कितना हो गया 30, नम2 में स्टार्टिंग में क्या था, 30 था बच्चा, अब चेंज हो गया क्या हो गया, 90 हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्राई रन, यानी कॉपी पे अगर बिना कंप्यूटर पे देखे आप प्रोग्राम का आउटपुट कैसे हम चेक करेंगे, मैथमेटिक्स हम करते थे, हम खुद ही रिजल्ट बता देते कि अच्छा ऐसा करने पर क्या होगा, वही चीज यहाँ भी है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, सेकंड वाला जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, स्वैपिंग हम करने जा रहे हैं, सेम स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी अब हम टेम्प नाम का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, फाइल का नाम देने से घबराइएगा मत, हमने अपनी क्लास का नाम क्या रख दिया है, तो है विदाउट थर्ड वेरिएबल, क्या कोड हम दोबारा लेके ना, फायदा था, हमने सेव एज से नई फाइल बना दी, पहली फाइल ऑलरेडी है, सेव एज से क्या कर दिया, नई फाइल बना दी, इसका नाम क्या रख दिया, तो है विदाउट थर्ड वेरिएबल, फाइल के नाम से घबराइएगा मत, नाम से पता चल जाएगा इसके अंदर कोड क्या लिखा गया होगा, कोड जब आपके पास जाएगा ना, और अब हमें थर्ड वेरिएबल के बिना स्वैप करना पड़ता है, बदल दे जैसे आपको लगे हाँ नई वैल्यू थी आपकी बात, इसमें 10 असाइन कर देते हैं और इसमें 50 असाइन कर देते हैं, और थर्ड वेरिएबल में एक मैथमेटिकल अप्रोच लगेगा बच्चा, मैथमेटिकल अप्रोच है याद रखिएगा, ये लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, मैथमेटिकल है। इस कोड के रन करने से क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग, ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, कलर बताएंगे, बताइए, इस कोड के रन करने से दो काम होगा, नम1 का वैल्यू और नम2 का वैल्यू ऐड किया जाएगा, और जो रिजल्ट पैदा होगा वो नम1 में असाइन हो जाएगा, फिर से समझे, ये जो कोड हमने लिखा है इस कोड के रन करने से क्या काम होगा, नम1 की वैल्यू में नम2 की वैल्यू को रंजिता ऐड किया जाएगा बच्चा, और जो रिजल्ट जनरेट होगा क्या जनरेट होगा, जो भी 60 और 50 जो भी है वो किसमें असाइन हो जाएगा, नम1 में, क्लियर है एकदम, चलिए तो नम1 में क्या आ चुका हो, असाइन हो चुका होगा 60, अब अगर मैं यहाँ लिख दूं नम2 इज इक्वल टू नम1 माइनस नम2, अब इससे क्या होगा, नम1 का वैल्यू क्या हो चुका था 60, अब नम1 में से नम2 की वैल्यू विच इज 50 सबट्रैक्ट होगा,
और नम वन का वैल्यू इज ऑलरेडी 60 और नम टू का वैल्यू क्या है 50, तो 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 10 होगा कि नहीं, और 10 किस में असाइन हो जाएगा तो नम टू में आ गया, नम वन का वैल्यू क्या है, नम वन का वैल्यू 10 था, 10 आ गया, फिर ये नम टू था बच्चा। अब हम सेम कोड लिखेंगे नम वन के लिए, नम वन इज इक्वल टू नम वन माइनस नम टू, नम वन का वैल्यू कितना है 60 है और नम टू का वैल्यू कितना हो चुका था 10, तो 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या होगा 50 किस में असाइन हो जाएगा नम वन में, नम वन में 50 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको अब की बार हम खुद से रन नहीं कराएंगे, ट्राई रन करके दिखाते हैं, क्या करके दिखाते हैं ट्राई रन, चलिए ट्राई रन करते हैं। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नम वन से, नम वन का इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है, क्या साइन किया हुआ है 10, तो ये 10 हमारा है। नम टू का वैल्यू हमारा क्या है बच्चे लोग, नम टू का वैल्यू हमारा 50 है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब आइए स्वैपिंग के कोड में आते हैं, ये पहला कोड, पहला कोड रन करेगा तो क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था नम वन प्लस नम टू, नम वन प्लस नम टू का मतलब नम वन की वैल्यू के साथ नम टू की वैल्यू को ऐड किया जाएगा बच्चा, नम वन का वैल्यू क्या है और नम टू का वैल्यू 10 प्लस 50 किसमें असाइन हो जाएगा, तो नम वन की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, राइट। फिर ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा, नम वन की वैल्यू में से नम टू की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी और नम वन की वैल्यू इस समय 60 है क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगा, तो 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 किसमें असाइन होगा नम टू में, तो नम टू का वैल्यू रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा बच्चा 10 हो गया। फिर थर्ड वाला कोड रन करिए, नम वन का वैल्यू विच इज 60 माइनस नम टू, नम टू का वैल्यू क्या है 10, तो 60 माइनस 10 कितना होता है बच्चा 50, किसमें असाइन हो जाएगा नम वन में, नम वन में क्या जाएगा असाइन हो जाएगा 50, तो दोनों का वैल्यू स्वैप हुआ कि नहीं, ये हुआ थर्ड, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर के लिए पॉसिबल होगा, प्लस माइनस से हुआ है कि नहीं, तो प्लस माइनस नाम में हो सकता है क्या, बुलियन वैल्यू में हो सकता है क्या, केवल न्यूमेरिक वैल्यू में हो सकता है ना। ये वाला कोड बच्चा सिर्फ किसके साथ पॉसिबल होगा याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन कहा गया था कि कैन यू स्वैप वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आंसर होगा यस, बट लगाइएगा, क्या बट, बट ओनली इंटीजर वैल्यू, इसके लिए ऐसा नहीं कि हर तरह की वैल्यू की, नहीं तो फंसा देगा, कहां आपने कहा कर लेंगे ना, वहां फौरन वो क्या करेगा बोलेगा जो इंटरव्यूअर होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का दो वेरिएबल बनाएगा स्ट्रिंग टाइप का, एक में एक्स वाई जेड लिखेगा एक में एबीसी लिखेगा, स्वैप करके दिखाओ, फिर आप कहोगे सर नहीं होगा, फिर कहेगा काफी नहीं तो खाता हो जाएगा थर्ड वेरिएबल के बिना, तो थर्ड वेरिएबल के बिना कब पॉसिबल होगा, जब वेरिएबल का टाइप क्या हो बच्चा इनटू, कंफर्म है मेरी बात, और देखिए ये हो गया होगा, रन करा के देखते हैं, पहले कंपाइल होगा, हमारी फाइल का नाम थोड़ा बड़ा है तो खुद से मत लिखिएगा, फाइल का पहला लेटर लिखिए स्वैप, टाइप बटन दबाइए नहीं आया, फिर दबाइए नहीं आया, फिर आ गया, जितनी बार दबाएंगे एरर आ गया, क्या कह रहा, फाइल के नाम में और क्लास के नाम में गड़बड़ी है, क्लास का नाम कुछ और है, फाइल का नाम कुछ और है, ये गड़बड़ तब होगा जब दोनों का नाम डिफरेंट हो, याद रखिएगा, मैं फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करके क्लास का नाम वही कर देता हूँ, अब मैंने क्लास का नाम और फाइल का नाम सेव कर दिया, अब मुझे नहीं लगता गड़बड़ी होगी, अभी भी गड़बड़ है, स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल, फाइल का नाम देखिए स्वैप विदाउट थर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसपे स्पेलिंग गलत है थर्ड, और दो उसमें देखिए एक तो ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप यहाँ पर जाके फाइल सेवाइफ थर्ड की स्पेलिंग क्या कर दो सही कर दो, है ना, ये एक आपके पास ऑप्शन था, अब हमने थर्ड की स्पेलिंग सही कर दी फाइल के नाम में, अब यहाँ पर भी हमारी फाइल के नाम में थर्ड की स्पेलिंग क्या हो चुकी है सही, अब कंपाइल हो जाएगा और रन करा, इतना बड़ा नाम हमने लिया था, रिस्क थोड़ा सा है, देखिए आगे अपनी स्वैप हो गया विदाउट यूजिंग व्हाट थर्ड वेरिएबल, खाली आप लोग कॉपी में इतना कोड नोट करिएगा बाकी नहीं, अरे ऊपर नम वन और नम टू नाम के दो वेरिएबल तो अंडरस्टूड है, केवल इतना याद रखिएगा यही मेन लॉजिक है, स्वैपिंग का कोड ये है, वेरिएबल डिक्लेयर करना तो सबको मालूम है, तो स्वैपिंग का कोड यही है बच्चा कौन जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस वन इज विदाउट यूजिंग व्हाट थर्ड वेरिएबल, ठीक है।
इसमें ऑपरेटर हमने यूज किया प्लस माइनस, यानी ऑपरेटर वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। या देखिए कमांड के बारे में क्या लिखा था, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वैल्यू असाइन करने का कमांड, अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने का कमांड। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ओके एवरीवन, ऑनलाइन क्लियर है बच्चा लोग? बट रिमेम्बर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैन ओनली बी पॉसिबल इफ टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। अगर डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है तो थर्ड वेरिएबल यूज करिएगा करिएगा। अब आते हैं हम लोग किधर बच्चा लोग, ऑपरेटर्स। अब हमने अपना फोल्डर भी बदल दिया, हमने क्लास बना दिए फाइल, फाइल का नाम क्या रख दिया, ऑपरेटर डेमो, ये हमारी फाइल का नाम। अब हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट होगा और इसमें चेन असाइन होगा। हम चाहते हैं इस वेरिएबल की ऐसा कमांड लिखिए, कमांड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स बाई वन। आपको कमांड क्या लिखना है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू में वन, ऐसा कमांड लिखिए जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू में वन का क्या करते, इंक्रीमेंट करते। ठीक है, कंफर्म है बच्चा? इसके तीन कमांड पॉसिबल है ना, फॉलोइंग थ्री कमांड्स आर पॉसिबल। तीनों पता होना चाहिए आपको इस काम के लिए, कितने कमांड पॉसिबल है बच्चा लोग, तीन। x इज इक्वल टू x प्लस वन, x प्लस इक्वल टू वन, और सबसे बेटर कौन सा पड़ेगा, प्लस प्लस है। ये तीनों से हो जाएगा बच्चा, जो मैंने कमांड बोला है आपसे करने के लिए, कौन सा कमांड, वेरिएबल की x की वैल्यू में वन का क्या करना है, इसके तीन कमांड पॉसिबल है जावा में। x is equal to x plus 1 से भी x की वैल्यू में वन का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, x plus equal to 1 से भी x में वन का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस x से भी x में वन का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। कंफर्म है, वन बाई वन करके देखिएगा, ये जरूर नोट कर लीजिए आप कि इतना, ये पूरा एज इट इज नोट कर लीजिए कि ये तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग, मेन और मत लिखिएगा, कंफर्म है। यानी रिक्वायरमेंट क्या थी हमें, वेरिएबल एक्स की वैल्यू में वन का क्या करना था, इंक्रीमेंट, और इसके कितने कमांड पॉसिबल हैं, तीन। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से भी वही काम होगा, एक्स प्लस इक्वल टू वन से भी वही काम हो जाएगा, और एक्स प्लस 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 एक्स या एक्स प्लस प्लस, इसके दो हैं, प्लस प्लस एक्स भी है और x प्लस प्लस है, उसमें मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा क्या है, पर ये तीन कमांड पास भी नहीं बैठते लोग। ऑनलाइन आगे समझ सर? यस सर, सही है। देखिए एक चीज आप लोग अभी माइंड मत करना, मैं आपसे हमेशा एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आप कुछ और बोलने की कोशिश करिएगा तो मैं इमीडिएटली रोकूंगा। इसका मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपकी भावनाएं समझने के लिए नहीं बैठा हूँ, एकदम मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो मैंने कहा ना, गांव में लोग वो आटा पिसाने जाते हैं ना, पिसता गेहूं है, लेकिन कहते हैं क्या, आटा पिसाने जा रहे हैं, तो भावनाएं हैं, समझ जाएंगे, रियल टाइप है। लेकिन कंप्यूटर में आप अगर एंट्री मारिएगा बच्चा, तो भावनाएं नहीं समझ जाएंगे, जो एग्जैक्ट है वही होना चाहिए एकदम। रंजिता जी, अगर मैं डिफिकल्ट नहीं होऊंगा, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है आपको ट्रेन करने के लिए बच्चा, इसका मतलब मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपका मैं 100% दिल का याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं दो घंटे में आधे घंटा फोन से किसी पे बतियाऊं, फिर दो मिनट के लिए बाहर जाऊं चाय पीने, आप बैठ के गपशप करें, ना आपको फोन अलाउ करूंगा ना मैं कोई यूज करूंगा। मेरी मजबूरी कभी कभी हो जाती है, जब ऑफिस से फोन आ जाता है तो मुझे मजबूरन पिक करना पड़ जाता है, ऐसे मैं अपने घर का भी फोन पिक नहीं करता। तो मैं आपके साथ पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, तभी आपके अंदर मैं वो प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप कर पाऊंगा बच्चा लोग, ये आपको माइंड करना पड़ेगा एकदम, 2 आवर्स आपको पूरा देना पड़ेगा।
ये तीन कमांड पास भी ना, तीनों को टेस्ट करें बच्चा, वन बाय तीनों मत लिख देना, तीनों में से कोई एक, तीनों से हो जाएगा। अब बताऊंगा कि बटर कौन सा पड़ेगा, और बेटर वाला ये है, ये गुड की कैटेगरी में रखिएगा, ये किसकी कैटेगरी में रखिएगा। अगर मैं बोलूं इसे मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन और डेफिनेटली थर्ड वन क्या होगा, बेस्ट होगा। दिखाऊंगा क्यों गुड बेटर बेस्ट मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया, जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला वाला कमांड गलत नहीं है, बट अगर तीनों में कंपेरिजन करिएगा तो आखिरी वाला क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलिए। अगर तीन च्वाइस है गुड बेटर बेस्ट की, तो कौन सा आपका च्वाइस रहेगा, बेस्ट वाला रहेगा। अब बेस्ट क्यों है उसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा, कन्फर्म है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट था, अब कैसे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आउटपुट से पता चलेगा एक्स को, यानी एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करा दी जाए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल एक्स। यहां चाहे तो ऐसे थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐसे कर दे, और चाहे तो बिफोर इंक्रीमेंट और आफ्टर इंक्रीमेंट का क्या देते, मैसेज भी देते है ना, ऐसे क्या दे दे, वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर इंक्रीमेंट, आप ऐसे दे दीजिए, और यहां क्या दे दीजिए सेम, थोड़ा सा देखने में आउटपुट क्या लगेगा, और रिपीटेबिलिटी बढ़ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है ना, यही तो इंक्रीमेंट का कोड है ना। तो सेव करिए, मेरा फोल्डर बदल गया बच्चा, तो सीएमडी क्या करूंगा मैं, क्लोज यहां पर जाऊंगा, ये मेरा फोल्डर एक बन चुका है ऑपरेटर्स नाम से, इसके अंदर मैंने फाइल रखी है सीएमडी जावा सी, क्या नाम है, ऑपरेटर्स डेमो, और रन कराइए, देखिएगा पहला आउटपुट आपका क्या आएगा, टेन, और दूसरा आएगा कितना, 11, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो गया। अब ड्राई रन कर देते हैं, इसका कैसे हुआ, ड्राई रन भी समझ में आना चाहिए कैसे होगा, देखिए थोड़ी देर पहले दिखाया था नम वन इज इक्वल टू नम वन माइनस नम टू, वही तो इसका ड्राई रन होगा, यानी देखिए ये कोड रन करेगा तो एक्स नाम से वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा बच्चा, एंड अब ये कोड रन करेगा यही इंक्रीमेंट वाला है, तो सबसे पहले इसमें दो काम होगा, इसमें दो काम आ सकता है, दो ऑपरेटर का मतलब दो काम, कौन सा दो ऑपरेटर यूज हुआ है, इक्वल और प्लस, दो काम क्या क्या होगा, पहला राइट साइड वाला, पहले राइट साइड वाला एक्सप्रेशन चलेगा, तो इस कोड से क्या होगा, ये वाले कोड से बच्चा एक्स वन का एडिशन किया जाएगा, इसने भी बोला सही था, लेकिन अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करिएगा आप कहोगे एक्स की वैल्यू में वन का एडिशन, इंक्रीमेंट नहीं एडिशन, प्लस से एडिशन होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता बच्चा, मैथमेटिक्स में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है, एडिशन से ही क्या अचीव किया जाता है, इंक्रीमेंट अचीव किया जाता है, इंक्रीमेंट अचीव करने के लिए क्या होता है, एडिशन वाला टास्क परफॉर्म किया जाता है। x की वैल्यू में वन का क्या किया जाएगा, एडिशन, क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा बच्चा प्लस से वैल्यू रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, जो रिजल्ट पैदा होगा 11, जो रिटर्न होगा वो किसको मिलेगा, इक्वल को, इक्वल क्या करेगा x में असाइन कर देगा, तो x की वैल्यू चेंज करके क्या हो जाएगी, तो इंक्रीमेंट हो गया कि नहीं, देखने वाले को क्या लगेगा, x की वैल्यू में वन का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, कैसे अचीव हुआ बच्चा, x की वैल्यू के साथ सीपीयू में वन का क्या हुआ, एडिशन, जो रिजल्ट पैदा हुआ वो रिटर्न होगा और एक्स में असाइन कर दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू चेंज होकर क्या होगी, 11, ये पहला तरीका हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है बच्चा, अगर एज अ ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन ही तो है, बोलिए, कोडिंग करते तो ह्यूमन ही कोडिंग करता है, और आपको मैं बता दूं बच्चा, आगे जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे ना तो 9 इंक्रीमेंट की बात करेंगे, 90% इंक्रीमेंट का कोड आपको 1 का मिलेगा, जैसे आप किसी की फोटो पे लाइक पे क्लिक करते हैं तो कितना इंक्रीमेंट होता होगा, 1 का, YouTube में किसी वीडियो को व्यू करते होंगे तो में कितने का इंक्रीमेंट होता होगा, 1 का, ठीक है, या वीडियो को सब्सक्राइब करते होंगे तो सब्सक्रिप्शन में कितने का इंक्रीमेंट होता होगा, तो मैंने कहा मैक्सिमम जो कोड हमें लिखा जाता है 1 का इंक्रीमेंट का, यानी अगर 5000 लाइन का कोड है तो हो सकता है उसमें 100 कोड किसका लिखा हो
लिखा गया होगा उनका इंक्रीमेंट का, और कौन लिखता है? ह्यूमन, रोबोट तो लिखेगा नहीं, और ह्यूमन लिखेगा, ये मिस्टेक संभव है कि नहीं? वन की जगह हम क्या करते हैं? टेन, ह्यूमन है भाई, थक गए सुबह से कोड लिखते लिखते थक गए, और गलती से वन की जगह क्या लिख दिया प्लस में। अब बताइए क्या सच में वन का इंक्रीमेंट होगा? टेन का हो जाएगा। तो आप कहोगे सर किस पर आया? मैंने कहा बार बार ह्यूमन है, ह्यूमन है। मैं बता दूं आपको, एक आप लोगों को टेस्ट करिए अगर घर पे जाके, एक बार एक बंदे ने मुझे दिया था, बहुत पहले की बात है जब कभी मैं ट्रेनिंग किया था, उसने कहा अगर आपको अपनी एबिलिटी चेक करना हो ना तो कॉपी में 1 से 500 तक गिनती लिखो खाली, और सबको लिखना आता है, और कम से कम 10 बार आप मिस्टेक करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 10 बार मिस्टेक करोगे 100 से 1 से 500 तक गिनती लिखने में। ह्यूमन है यार, थक जाते हैं जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो फिर गड़बड़ा जाता है, 45 की जगह 46 लिख दिया, फिर 45 के लिए जगह नहीं मिलेगा, मिस्टेक होता है, याद रखिएगा, वी आर ह्यूमन। आप बताइए क्या आपका कोड ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा कि 10 का? आप कहोगे कि सर 10 लिखा है तो 10 का करेगा, लेकिन हमने कहा ना गलती हमसे हो सकती है, और 90% रिक्वायरमेंट है हमारी 1 के इंक्रीमेंट की, इसलिए स्पेशली एक ऑपरेटर बना दिया गया था प्लस प्लस, इसमें ना रहेगा बांस ना बच्चे के बांसुरी, ना 1 लिखेंगे ना 1 कोई गलती होगी। ये वाला भी सेम मिस्टेक हो सकता है, ये वाला भी काम करेगा, लेकिन इसमें भी सेम मिस्टेक होती है, बट इसमें और पहले वाले में क्या फर्क? पहले वाले में एक्स को कितनी बार लिखा गया था? 2 बार, उसमें भी हम गलती कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हो सकता हमारे पास कितना हो, वाई नाम का वेरिएबल हो, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक्स में 1 का क्या करो इंक्रीमेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया y=x+1, ये हम मिस्टेक कर सकते हैं नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन? तो 2 मिस्टेक इसमें हो सकती है, किसमें? x=x+1 में, लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल बदल जाए या राइट साइड में जो प्लस के बाद है वो वैल्यू बदल जाए, तो उसका सोल्यूशन कौन सा लाया गया? ये वाला, ये कोड। अब इसमें x 1 बार यूज हो रहा है ना, लेकिन अभी भी रिस्क है, कौन सा? ह्यूमन वाला। ये 1 की जगह हो सकता है गलती से क्या लिखते, 3, तो 1 के इंक्रीमेंट के बजाय कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 3 का। तो पहला वाला गुड था, ये बेस्ट बेटर है कि नहीं है बताइए? क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें एक्स 2 बार लिखा गया था, 2 बार हमको लिखना पड़ता, हो सकता हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, गलती से किसी और का नाम लिख दिया लेफ्ट साइड में, और इतना एक्स में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। ऐसी ज्यादा बात है यार, देखो ना, अगर हमने यहाँ लिख दिया y=x+1, हमारी गलती होगी ना। अब बताओ क्या भाई एक्स में 1 का इंक्रीमेंट होगा ना? ये हमसे मिस्टेक हो सकती है, वाई में भी नहीं हुआ, वाई में तो असाइन हुआ, वाई में तो वैल्यू था ही नहीं, एक्स का वैल्यू दोनों केस में 1 है कि नहीं? और एक मिस्टेक इसमें और क्या हो सकती है? ये गलती से यहाँ हमने चलो मान लो ये सही लिखा, यहाँ गलती से क्या लिख दें, 1 की जगह 10, पता चला 1 के बजाय कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 10 का। ये जो वाई वाला प्रॉब्लम था, इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? ये निकाला, इसमें भी अब ये कंफर्म है 1 का क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, सेम ऑपरेशन होगा जैसे होता है, सेम x की वैल्यू में 1 का क्या किया जाएगा, एडिशन, और जो रिजल्ट पैदा होगा x में असाइन कर दिया। इसमें भी रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है बच्चा? ये गलती से हमने क्या कर दिया था? 4। तो बताइए हमसे गलती हो सकती ना एज ह्यूमन? और हमने क्या बोला था, प्रोग्रामिंग में 90% कोड की रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट में कितनी की होती है? 1। तो प्रोग्रामिंग वालों ने क्या किया, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई बच्चा, उन्होंने स्पेशली एक ऑपरेटर बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया? प्लस प्लस, प्लस प्लस भी और माइनस माइनस भी। ये अब इसमें हमने क्या बताया, एक्स में इंक्रीमेंट करना था तो एक्स ही लिखा, कंफर्म है। अब आपको सर गलती से वाई लिख दो तो वाई लिखोगे तो हो सकता है आपको दिखेगा कि यार ये तो वाई में इंक्रीमेंट होगा, 1 बार तो लिखा है, 1 से ज्यादा बार लिखोगे तो गलती होने का चांस है ना, तो x में इंक्रीमेंट होगा, और प्लस 1 तो नहीं लिखा ना, तो गारंटी है इंक्रीमेंट कितने का होगा? 1 का होगा, इसलिए ये ऑपरेटर बना दिया था, इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और उसी तरह से दूसरा क्या होता है, डिक्रीमेंट। क्लियर है? दोनों में कोई, दोनों केस में इंक्रीमेंट होगा, दोनों केस में बच्चा, दोनों केस में सेम इंक्रीमेंट होगा, यानी चाहे अगर आपका प्लस प्लस एक्स लिखा जाए, इसमें भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स जरूर नोट कर लीजिएगा, विल बी इंक्रीज
मेंटेड बाय वन बाई वन। इस केस में भी, सॉरी, इस केस में भी क्या होगा, जो दूसरा वाला कमांड है प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, इसमें भी वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन। इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले को कहते हैं प्रीफिक्स। ये वाला जो ऑपरेटर यूज किया इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और इस वाले को बोलते हैं पोस्टफिक्स। ये वाला ऑपरेटर हमारा क्या है, पोस्टफिक्स, और ये वाला ऑपरेटर क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, रिटर्न, यानी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न भी करते हैं एवरी ऑपरेटर। ये सब नोट कर लीजिएगा जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, रिटर्न, हर ऑपरेटर रिटर्न्स वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हर ऑपरेटर क्या करता है, हर ऑपरेटर, मैंने प्लस प्लस के बारे में नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एवरी ऑपरेटर, एवरी का मतलब प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, जितने ऑपरेटर हैं बच्चा ऑपरेशन करने के बाद, उनका ऑपरेशन क्या है, इसी प्लस प्लस का ऑपरेशन है उनका इंक्रीमेंट करना, है ना, प्लस का ऑपरेशन है एडिशन कराना। तो हर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू रिटर्न करता है। तो इन दोनों में रिटर्न में केवल फर्क, किसमें फर्क है, रिटर्न, जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स। कौन सा प्लस प्लस, प्रीफिक्स प्लस प्लस, रिटर्न्स न्यू वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एक्स, ऑपरेंड किसको बोलेंगे, एक्स, एक्स को नहीं, यहां मेरे केस में क्या है, एक्स है, और पोस्ट फिक्स क्या करेगा, रिटर्न्स ओल्ड वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। यही दोनों में डिफरेंस है, अगर आप प्लस प्लस को प्रीफिक्स वाला प्लस प्लस यूज करिएगा, यानी ऑपरेंड से पहले यूज करिएगा तो प्रीफिक्स, ऑपरेंड के बाद यूज करिएगा तो पोस्टफिक्स, काम दोनों का सेम है और इंक्रीमेंट का, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न तो करेगा, करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करके, अगर रामू करता चाय बनाए तो चाय बना के हमको देंगे, अगर हमने किसी को पैसा दिया दुकानदार को सामान के लिए तो हमको सामान देगा, यानी आप, हमने आपको पैसा उधार दिया तो आप हमें रिटर्न करेंगे, एक्नॉलेजमेंट होगा ना। चलो ऑनलाइन थोड़ा इंटरेक्ट करें, ऑनलाइन आप लोग, आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो नींद आएगी वहां पर क्लास में जो बैठे होंगे। हमने क्या बोला, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है, प्रीफिक्स में रिटर्न क्या होगा बच्चा, न्यू वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, जैसे एक्स में एक का इंक्रीमेंट हुआ, एक्स की वैल्यू कितना हो गई 11, फिर वो 11 रिटर्न करेगा, और रिटर्न की गई वैल्यू लेना मैंडेटरी नहीं है, हम चाहे तो किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये कंफर्म है बच्चा, क्या प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस डिक्रीमेंट वैल्यू, कोई भी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। रंजिता, हर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये प्लस प्लस क्या रिटर्न करेगा, पूरा नहीं बोले यार, न्यू वैल्यू नहीं, जो ऑपरेंड है उसकी न्यू वैल्यू, मतलब जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होता है अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ये प्लस प्लस किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक्स पे, एक्स पे यार, एक्स के ही तो वैल्यू में वन का क्या करेगा, इंक्रीमेंट, एक्स को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, ऑपरेंड, और अंग्रेजी में लिखा भी है सच एज एक्स, हमारे केस में एक्स क्या है यहाँ पर, ऑपरेंड है बच्चा, ऑपरेंड का मतलब ही हुआ अंग्रेजी का में है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज व्हाट, ऑपरेंड। दिखा देते हैं, फाइल सेव एज, अच्छा अभी हमने अपने पिछले एग्जांपल में रिटर्न वैल्यू नहीं लिया था, पहले तो ये देखिए कि एक्स का वैल्यू क्या सच में आ रही है, क्या आ रही है, पहले देख लेंगे आप लोग, अभी मैंने कौन सा यूज किया, प्रीफिक्स, और एक्स की वैल्यू में ये क्या करेगा, वन का इंक्रीमेंट, चलिए
एक्स की वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, 11। अरे इंक्रीमेंट हो गया तो 11 नहीं होगा। ये भी क्या करेगा, ये वाला जो प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस लगाएंगे, ये भी एक्स की वैल्यू में 1 का क्या करेगा। अब एक्स की वैल्यू चेंज हो गया, क्या हो गई होगी 11। इस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा, रिटर्न वाली वैल्यू हमने नहीं ली है, रिटर्न वैल्यू लेके दिखाते हैं आपको। भाई नाम का हमारा एक वेरिएबल बना हुआ, अब क्या होगा, अब जो ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा वो वाई में क्या कर दिया जाएगा, असाइन। क्लियर ना, तब तो हमें पता चलेगा कि उसने रिटर्न क्या किया। रिटर्न जब तक लिखे, अगर कोई मुझे रिटर्न कर रहा है कुछ, अगर चाय रामू का कहने चाय बनाया, चाय मुझे उन्होंने दिया या वो रिटर्न किया, तो मैं पता कर पाऊंगा ना चाय फीकी है कि मीठी है। अभी तो वैल्यू तो पता चलेगा, उन्होंने चाय तो बना दिया, यानी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट तो कर दिया, इंक्रीमेंट करके रिटर्न क्या किया इससे पता चलेगा। और रिटर्न जो किया वो कहां साइन करवाया हमने, वाई में। अब वाई की वैल्यू डिस्प्ले करवा दें आप, तब पता चलेगा। अच्छा ये कौन सा ऑपरेटर है, प्री फिक्स वाला है कि पोस्ट फिक्स वाला, ऊपर पोस्ट फिक्स वाला क्या रिटर्न करेगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन था यहां पर, x, x का ओल्ड वैल्यू क्या था, इसका मतलब y में क्या असाइन होना चाहिए, 10। आउटपुट क्या आना चाहिए, y वाला चाहिए। चलिए कंपाइल करिए, रन कराइए, भाई वाला 10 है कि नहीं। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर बच्चा प्रीफिक्स लगाया होता ऑपरेटर में, तब ये क्या रिटर्न करता, रिटर्न की बात करिए 11 नहीं, एक्स की न्यू वैल्यू। आप लोग एकदम डेटा एक्स पे है, एक्स की बोलिए ना, हो सकता है वैल्यू यूजर से आवे, तब आप क्या बोलेंगे, एक्स की न्यू वैल्यू, यानी आपकी बार वाई में क्या साइन होना चाहिए। अरे वैल्यू आप बोल दो ना, 11। आप तो वैल्यू बता दो, देखिए वाई का वैल्यू क्या आया, कंफर्म है कि नहीं है, दोनों में फर्क समझ में आया, रिटर्न क्या होगा, 32 रंजिता, एक्स की न्यू ऑपरेंड की न्यू वैल्यू। तो सर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो दोनों लिख सकते हैं, हां क्योंकि ज्यादातर 99.99% केस का होगा, इंक्रीमेंट होगा हमको रिटर्न वैल्यू से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर 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 रिटर्न वैल्यू आपको यूज ना करना, तब चाहे आप प्रीफिक्स यूज करिए चाहे पोस्टफिक्स, क्योंकि मेन काम क्या है, रिटर्न की मेन काम है चाय बनाना, की मेन काम है चाय लाइक हमको देना, उसका काम वही चाहे कि खुद ही पी ले, मेन काम क्या है बताइए प्लस प्लस का, इंक्रीमेंट की रिटर्न करना, बस खत्म। अब इंक्रीमेंट दोनों कर रहे हैं मालूम है हमको ना, इंक्रीमेंट दोनों कर रहे हैं, दोनों मतलब प्लस प्लस एक्स भी इंक्रीमेंट करेगा और एक्स, तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस से पता होना चाहिए हमको। इसका मतलब कोडिंग में चाहे 99.99% रिक्वायरमेंट क्या होगा बच्चा, हमें इंक्रीमेंट रिटर्न वैल्यू यूज नहीं करनी होगी, लेकिन करनी तो पड़ सकती है ना, तो करते समय ध्यान रखना होगा कि ये वाला ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा और ये वाला न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो होता क्या है बच्चा, कभी कभी जब हम हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें इंक्रीमेंट भी कराना होता है और उसकी रिटर्न वैल्यू को यूज भी करना होता है, तब वहाँ डिफरेंस आपको पता चलेगा। अगर सिर्फ इंक्रीमेंट कराना हो तो फिर रिटर्न से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रिटर्न हमें यूज नहीं करना। ठीक है, तो सर अगर जैसे x++ मतलब पोस्टफिक्स वाला होता तो आउटपुट x का क्या होता, 10 होता ना। देखो और y का थोड़ा सा आप लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया उसका दिखाता हूं, एक सेकंड वेट करिएगा, एकदम रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं, रियल मतलब जो प्रोजेक्ट में यूज आएगा दोनों का पता चल जाएगा। अभी दिखा देता हूं आपको पता चलेगा क्या गड़बड़ी होगी प्रोजेक्ट में आएगा ना, जहां रिक्वायरमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट में मेरा बच्चा प्लस प्लस भी हो रहा है और रिटर्न वैल्यू यूज भी हो रहा है, दोनों याद रखिएगा, दोनों काम हो रहा है, प्लस प्लस भी और रिटर्न वैल्यू यूज भी हो रहा है। मैं रन करके दिखाता हूं, अंकित एक सेकंड वेट करना बच्चा।
इधर देखो क्या नाम आपका, आप उधर उसके चक्कर में मैनेज बाद में करना। ये मेरे पास डेट वाइज रिपोर्ट दिखाएगा कि आज कितने लोग बाहर गए हैं, ठीक है आपको। अब इसकी मुझे पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करानी, क्या जनरेट करानी, ये मैंने जनरेट पीडीएफ रिपोर्ट का लिखा, पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब इसका जो पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हुआ इसका आउटपुट आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिख रहा होगा आपको, टोटल कितने लोगों का रिपोर्ट था, 8 लोगों का, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ये सीरियल नंबर मैंने जनरेट कराया है और 1 2 3 करके एक एक का इंक्रीमेंट करा के इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको, सीरियल नंबर जनरेट करने का। यहां देखिएगा, यहां पर प्लस प्लस वाला देखेंगे, ये देखिए एसएन नाम का मैंने क्या बनाया है वेरिएबल, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या साइन की है, जीरो। अब यहां पर ये वाला कोड देखिए आप क्या लिखा है, एसएन। अगर मैंने बच्चा एसएन प्लस प्लस लिखा होता तो क्या गड़बड़ हो जाता, रिटर्न करता ये जीरो, यानी पहला सीरियल नंबर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिटर्न करेगा वही उसमें असाइन होगा, जाएगा अंदर, अंदर कहाँ, आउट रिजल्ट में, आउटपुट में। अब बताइए रिटर्न क्या करेगा, जीरो इनिशियल वैल्यू थी, बोलो एक का इंक्रीमेंट किया क्या हो जाएगा, वन, और वन ही रिटर्न करेगा, जो आगे इसको मिल जाएगी सेल, सेल बोलते हैं उसको, सेल में क्या करेगा डाल देगा, सेल में क्या डालेगा, वन। अब मैं इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, जीरो को वन कर देगा, नहीं नहीं वन कर देगा, अगले वाले के लिए वन ही होगा, लेकिन रिटर्न क्या कर देगा, तो मेरा पहले रिकॉर्ड का सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू चेंज होकर क्या होगी, वन, यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड का क्या हो जाएगा, वन, और इंक्रीमेंट होकर रिटर्न भी करेगा वन, रिटर्न क्या करेगा वन, लेकिन वैल्यू टू हो जाएगी। दिक्कत यह है, अब के बाद देखिए मैं कोड को चेंज किया, अब के बाद सेम रिपोर्ट जनरेट करा रहा हूँ, अब के बाद जो रिपोर्ट जनरेट होगा उसमें देखिएगा, रिपोर्ट जनरेट हो गई, सीरियल नंबर का पहला वैल्यू देखिए क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने पोस्टफिक्स यूज कर दिया, तो पोस्टफिक्स में क्या था, इंक्रीमेंट करके वन किया, इंक्रीमेंट भी हुआ है, अगला वैल्यू क्या आई, वन, अगली वैल्यू क्या आई, टू, अगली वैल्यू क्या आई, अगर इंक्रीमेंट नहीं होता तो जीरो 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 ही रह जाता। अंकित समझ में आया बच्चा, हाँ जी सर, पोस्टफिक्स में मतलब ओल्ड वैल्यू भी आएगी और इंक्रीमेंट भी होगा, आएगी जाएगी, आप पहला बोल छोड़ दीजिए आप लोग रिटर्न, लेकिन मैंने क्या बोला था, कभी कभी हमें रिटर्न वैल्यू भी यूज करनी पड़ सकती है, लेकिन 99.99% केसेस में रिटर्न वैल्यू यूज, तो जब रिटर्न वैल्यू यूज नहीं कर रहा हो बच्चा, तो चाहे आप प्रीफिक्स वाला यूज करिए चाहे पोस्टफिक्स वाला यूज करिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे वाई ना यूज करना, चलो वाई हटा, मुझे वाई में वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया है, प्रीफिक्स यूज किया है, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, गारंटी है होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस एक्स लिख दूँ, एक्स प्लस प्लस पोस्टफिक्स, क्योंकि मैं रिटर्न वैल्यू यूज कर ही नहीं रहा हूँ बच्चा, आई एम नॉट यूजिंग रिटर्न वैल्यू, आई एम नॉट गेटिंग रिटर्न वैल्यू, बट इंक्रीमेंट मुझे कराना है। अब की बार भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू में 1 था, इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू 11 हुई कि नहीं हुई, अंकित क्लियर है बच्चा, एवरीवन। सर एक सेकंड, पोस्टफिक्स वाला वापस रन करना, ये वाला कोड पोस्टफिक्स वाला ही है ये, हाँ, तो इसका आउटपुट भी 11 आएगा कि 10 आना चाहिए, पूछ रहा भाई। अच्छा बताओ इस प्लस प्लस का काम क्या है, अंकित बताओ काम क्या है, इंक्रीमेंट करना एक्स, किस में, एक्स में, हाँ, ऑपरेंड में, मतलब वैल्यू को 11 कर देगा, नहीं इंक्रीमेंट करके 11 कर देगा, 11 ही तो डिस्प्ले करेगा यार, डिफरेंस किसमें आएगा, रिटर्न वैल्यू में, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग रिटर्न वैल्यू। अगर आप रिटर्न वैल्यू यूज करते, जैसे वाई में मैंने क्या किया था, असाइन, अब वाई, वाई को क्या मिलेगा, रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, डेफिनेटली चूंकि ये पोस्टफिक्स है, वाई को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन एक्स में तो 1 का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ही होगा, एक्स का वैल्यू जो मेन काम उसका इंक्रीमेंट का, वो तो करेगा ही करेगा। देखिए आपके पास दो तरह के लोग हैं चाय बनाने वाले, एक जो चाय बना के आपको देगा नहीं, और एक जो चाय बना के आपको देगा, दोनों केस में आपको चाय मिलेगी नहीं, आपका
बस दूसरे केस में क्या होगा, आपके चाय पीना पड़ेगा, दोनों इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन वाई की देखिए रिटर्न वैल्यू की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में हमने जो ऑपरेटर यूज किया प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाला, अगर उसकी रिटर्न वैल्यू चाहिए और ओल्ड वैल्यू चाहिए, सीक्वेंस का चाहिए ओल्ड वैल्यू, तब तो आप कौन सा यूज करेगा, पोस्ट, और अगर न्यू वैल्यू चाहिए तो प्रीफिक्स, और अगर वैल्यू नहीं चाहिए रिटर्न, केवल इंक्रीमेंट ही कराना है, वैल्यू नहीं चाहिए आपको, तब चाहे आप प्रीफिक्स वाला यूज करें चाहे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंकित नाउ पॉइंट इज क्लियर आर नॉट? यस सर क्लियर। आपकी बार क्या होगा, रिटर्न करेगा क्या न्यू वैल्यू, और न्यू वैल्यू कितना हो चुकी होगी 11, तो वाई को क्या मिला 11, तो वाई वाला आउटपुट क्या आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो बस ध्यान देना है क्या हम लोगों को, रिटर्न वैल्यू हमें यूज करनी है, कि मैंने बोला 99.99% केसेस में आपको केवल क्या करना है बच्चा, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे कोड में यहाँ पर भी प्लस प्लस यूज हो रहा है, ऊपर देखिए हाँ ये आई प्लस प्लस है ना, अब इसमें रिटर्न वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूं मैं किसी पर, तो चाहे मैं आई प्लस प्लस लिखूं चाहे प्लस प्लस आई लिखूं, दोनों केस में आई में एक एक का क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहां भी देखिएगा लूप चल रहा है, कहीं और लिखा मैंने, जहां भी लूप चलेगा इंक्रीमेंट का वैल्यू यूज नहीं करना होगा, डेफिनेटली वहां पर आप चाहे प्लस प्लस लिखे चाहे माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस एक्स चाहे एक्स प्लस प्लस लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में नाम तुम्हारा भूल गया मैं यार, तुम सामने मेरे तुम ही बैठे हो, हिमांशु ठीक है, क्लियर है मेरी बात, कंफ्यूजन है क्या इंक्रीमेंट? अरे छोड़ो यार, इसको देख रहा हूँ, इधर देखो मैं कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्लियर है ना, रिटर्न भेज दो ठीक। चलिए आपका लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना क्लियर है। बताना वाई में क्या साइन होगा, पहले ये पूरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, और माइनस जो रिटर्न करेगा माइनस वो वाई में असाइन होगा बच्चा, यानी ये पहले रन करेगा ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर ये रन करेगा ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी रिटर्न वैल्यू और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या की जाएंगी सबट्रैक्ट, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट पैदा होगा वो वाई में असाइन होगा। आपको बताना है वाई में क्या साइन होगा, अभी समझाया ये मैथमेटिकल अप्रोच है, चलो मैथमेटिक्स थोड़ा मोड़ा आती है ना आप लोगों को, हल्का फुल्का डिवाइड मल्टीप्लाई आता है ना, हिमांशी तुमको आता है, तुमको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, हिमांशी तुम्हारा ही नाम है। चलो एक मैं छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं इसका जो रिजल्ट यहां लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, टू में से टू सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे या टू पावर थ्री से जो रिटर्न होगा एट, फिर टू पावर टू से जो रिटर्न होगा फिर माइनस करके जो रिजल्ट पैदा होगा वो लिखेंगे ना, यानी फाइनल वैल्यू क्या रिटर्न होगी, तो माइनस से रिटर्न होगा यार, जो माइनस करने के बाद पैदा होगा वाई में क्या साइन होगा जो इस माइनस के बाद पैदा होगा, इसका मतलब माइनस से पहले रिटर्न वैल्यू लिखिए और माइनस के बाद रिटर्न वैल्यू लिखिए, फिर दोनों को क्या करिए अब ट्राई करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वाई में ऐसा है। देखो एक्स का वैल्यू क्या है 10, पहले ये कमांड रन कराओ, इससे क्या होगा आएगा क्या होता है, आएगा क्या होता है, इंक्रीमेंट का काम है कि रिटर्न का काम, इंक्रीमेंट का काम है कि रिटर्न का, इस कमांड के रन करने से 10 आएगा या एक्स में एक का इंक्रीमेंट होगा, मैंने पूछा था इस कमांड के रन करने से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा एक्स की वैल्यू में 1 का, तो 10 आएगा कहां से लोगे आप आंसर, अच्छा नहीं, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ, कमांड पहचाने ये इंक्रीमेंट का कोड है, तो ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा रंजिता, फिर वही
एक्स की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट होगा बच्चा, इंक्रीमेंट का कमांड लिखा गया है। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो एक का इंक्रीमेंट होगी कितना हो जाएगा? अब बताइए रिटर्न क्या करेगा? अब बताएं हम, अब जब मैं पूछूंगा रिटर्न 10 करेगा तो अब इसका मतलब 10 माइनस हो जाएगा, ये 10 माइनस हुआ कि नहीं हुआ? जो रिटर्न करेगा वही तो माइनस को मिलेगा, वो तो 2 पावर 4 का रिटर्न ही तो माइनस को मिला था कि 2 मिला था माइनस को, 2 का पावर 4 का मिला था ना, रिटर्न करेगा जो मिलेगा। अब ये वाला कमांड क्या करेगा, इस वाले कमांड से क्या होगा? पूरा नहीं बोला आपने, एक्स की वैल्यू में वन का एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? 11 तो ऑलरेडी है यार, दिख नहीं रहा होते, एक्स की वैल्यू कितना है? 11 में 1 का इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगा, क्या बात है यार, 12 हो जाएगा। रिटर्न भी क्या करेगा? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स रिटर्न क्या करता है? न्यू वैल्यू एक्स की कितना हो गई है? तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? 10 माइनस 12, मैथ है यार, रिजल्ट -2 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? -2। सर एक चीज इसमें मेरे को डाउट है, हाँ बोलिए। क्योंकि अभी कमांड पूरी रन नहीं हुई तो क्या एक्स का 2 बार इंक्रीमेंट एक ही कमांड में पॉसिबल है? मतलब कि वो चीज हो सकती है क्या? 2 बार लिखा तो 2 बार होगा, 4 बार लिखोगे तो 4 बार होगा। अरे यार 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 2 कैसे हो गया? 2 पावर 4 भी हुआ था, 2 पावर 2 भी हुआ था, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 नहीं हो सकता? 2 का पावर 2 मैथ में 2 बार नहीं कर सकते, तो फिर एक्स में इंक्रीमेंट 2 बार नहीं कर सकते, 10 बार कर लो। दो मिनट, रिजल्ट अभी कंपाइल नहीं हुआ मेरा, कंपाइल होने दीजिए, रन करा के पहले रिजल्ट दिखा दो। क्या आना चाहिए? वाई की वैल्यू देखिए, एक्स में तो 12 हो गया, वाई का वैल्यू क्या रहा है? मैं तो वाई का वैल्यू दिखा रहा हूँ जी, आप रंजीता बोले। मेरे कहने का मतलब सर, x की जगह 10 ही वैल्यू ऐसा होनी चाहिए। x की जगह मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय x की जगह? x की वैल्यू 10 ही असाइन होकर, 2 मिनट, ये कोड असाइन करने का लिखा गया कि इंक्रीमेंट का लिखा गया? दो मिनट, यहां से स्टार्ट करिए आप। इस कोड के रन करने से क्या होगा बताइए आप, इस पूरे कोड के रन करने से क्या होगा रंजिता बताइए? ये कोड रन करेगा तो क्या काम होगा? ये वाला कोड रन करेगा बच्चा तो क्या काम होगा? गलत जवाब, एकदम नहीं, टेक्निकल नहीं है ये। एक्स की वैल्यू 10 होगी का मतलब होता है व्हाट होगी? ये कमांड लिखा है वेरिएबल क्रिएट करने का और उसमें वैल्यू असाइन करने का, ना है ना होगी। कमांड पहचाने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस कमांड के रन करने से मेमोरी में क्या होगा? एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा और इसमें क्या वैल्यू असाइन कर दी जाएगी? 10। कमांड पहचानी रंजिता, इसका जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा, इस कमांड के रन करने से क्या होगा बोलिए? एक्स की वैल्यू 10 नहीं होगी, मेमोरी में क्या होगा? एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, यानी एक कंटेनर बनेगा और उसमें क्या स्टोर कर दिया जाएगा? 10। कमांड लिखा गया बच्चा, किस चीज का कमांड लिखा है? वेरिएबल क्रिएट करने का और उसमें वैल्यू असाइन करने का। बोलो क्या लगता होगा इस कमांड के रन करने से? एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, असाइन हो जाएगी, सिर्फ ठीक करें मतलब आगे ना चेन असाइन हो गया। सेकंड बार इससे क्या होगा? वाई नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, कुछ भी असाइन नहीं होगा। फिर आइए यहां से, ये वाला जो कोड हमने लिखा बच्चा, ये वाला कोड पहचानेंगे, इसमें 1 2 नहीं, बता सकते कुल कितने ऑपरेशन है? कौन बताएगा इस वाले कोड में कुल कितने ऑपरेशन है? पहले मैं सही लिख दूं इसको, y इज इक्वल टू x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस x। अंतरा बताओ कितने ऑपरेशन है बच्चा इस कोड में कुल? सीक्वेंस में बताओ, 4 ऑपरेटर है तो 4 ऑपरेशन, एक ये ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है, एक ये है और एक ये है। ये पहले नंबर पे रन करेगा, ये दूसरे नंबर पे रन करेगा, ये तीसरे नंबर पे रन करेगा,
और ये चौथे नंबर पे रन करेगा, ठीक रंजिता? तो जब ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा रंजिता बताइए, ये कमांड के रन करने से क्या टास्क परफॉर्म होगा? कहां पूरा बोलिए, एक्स की वैल्यू इसमें दिख रही है कितना है, इंक्रीमेंट हो जाएगा तो बदल के कितना हो जाएगी? अब ये 11 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ कंफर्म? यानी एक्स में वैल्यू असाइन क्या हो गई 11, यानी 10 हटा उसकी जगह क्या असाइन हो गया, यही तो हुआ। अब 10 का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन को ऑपरेटर रिटर्न भी करता, मैंने कहा था ये रिटर्न क्या करेगा, जो रिटर्न करेगा वही माइनस को मिलेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा चूंकि पोस्ट फिक्स है, तो माइनस से पहले क्या आ गया बच्चा लोग, 10 आ गया नहीं आ गया वैल्यू। अब ये वाला कमांड रन कराइए, इसके रन करने से क्या होगा रंजिता, पूरा नहीं बोला फिर आपने, पूरा नहीं बोला आपने, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, मैंने कहा था मैं एक भी परसेंट का कमी नहीं चाहता, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, x की वैल्यू दिख रहा है बॉक्स में कितना है, 11 में 1 का इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, रिटर्न जो करेगा वो माइनस को मिलेगा राइट साइड, क्या रिटर्न करेगा, प्रीफिक्स है न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू क्या है, अब इसको 10 में से 12 सबट्रैक्ट करोगे क्या होगा, माइनस टू किस में असाइन हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स में वाई कितना है 12, वाई में क्या हो जाएगा माइनस टू, कन्फर्म हुआ ना, पहले तो वो एडहॉक आटा मत पिसाओ, एडहॉक बेसिस पे बात मत करो, जो करेक्ट है वही बोलो, करेक्ट है कि 10 आएगा नहीं है, एक्स नाम से वेरिएबल बनेगा उसमें 10 असाइन होगा, y नाम के वेरिएबल बनेगा उसमें कुछ भी असाइन नहीं होगा, फिर पहचानो इसमें क्या क्या टास्क है, ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है बच्चा लोग? यस यस सर, क्लियर है। अभी ट्राई किया समझाने के लिए, गलत गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इंफोसिस वगैरह लेवल पे ये क्वेश्चन आता है, ये दिन में कमांड कहेंगे आउटपुट बताओ तो फिर वही है, आएगा जाएगा वाला कभी नहीं बता पाएगा, ये आएगा ये जाएगा, ऑपरेटर का यूज आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको सिर्फ इंक्रीमेंट कराना हो रिटर्न वैल्यू यूज ना करनी हो, अब प्रोग्रामर आप है ना, आप डिसाइड करोगे कि हमारा प्रोग्राम उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू यूज करेगा कि रिटर्न वैल्यू, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं रिटर्न वैल्यू, अगर रिटर्न वैल्यू यूज नहीं करना है चाहे प्रीफिक्स यूज करे चाहे पोस्टफिक्स, क्योंकि इंक्रीमेंट दोनों केस में हो जाएगा, हाँ जैसे मैंने वो पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट कराई थी वहां मुझे इंक्रीमेंट वैल्यू सीरियल नंबर में यूज करना था, इनिशियल वैल्यू मेरा क्या था 0, तो मैंने जब प्रीफिक्स यूज किया था तब तो 1 2 3 आ रहा था सीरियल नंबर, लेकिन जब मैंने पोस्टफिक्स लगा दिया क्योंकि रिटर्न पहले केस में 0 कर रहा था इसलिए सीरियल नंबर पे आ गया था, मेरी पीडीएफ रिपोर्ट 0 आ गया था, क्लियर है, आप टेक्निकली समझे चीजों को, दैट्स व्हाई यू आर हियर, अदरवाइज फिर यूट्यूब है फलाने हैं दिमाग के सब जगह से आराम से कोड सीखा जा सकता है, चलिए अब की बार कोशिश करिएगा रिजल्ट सही बताइएगा, वाई को बताना वाई में क्या साइन होगा, एक्स का वैल्यू तो पता है 13 होगा, 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है तो एक्स का वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, आपको बताना वाई में क्या असाइन होगा, बड़ी जल्दी 12 बता दिया यार, मुझे भी अच्छा खासा टाइम लगता है ड्राई रन करने में, आप लोग ड्राई रन नहीं कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच जरूर है बच्चा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको पता है ना, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको कुछ इस तरह का, ऐसे जैसे मैंने दे दिया 2 पावर 4 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन करना हो तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, पहले 2 पावर 4 को रन कराइए, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस, फिर 2 पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चा 2 पावर 18 होगा 16 होगा, ये 2 पावर 3 क्या होगा 8 माइनस, फिर 2 पावर 2 4, ये एक्सप्रेशन बना,
अब एट में से फोर का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, फोर। अब ये फोर और 18 में 16 में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 12। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा था, हम इसकी बात नहीं कर रहा था, बट यही अप्रोच इसमें भी होगा, अप्रोच वुड बी सेम। y की वैल्यू ले लेंगे, 25 आना चाहिए, y की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 11 7 11 कह रहे हो? हां ओके, 13 क्या बात अंतरा, नहीं ट्राई किया क्यों बच्चा? कॉपी में लिखो तब समझ में आएगा। देखो होता क्या, मैं बार बार एक बार फिर से ट्राई रन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड बच्चा रुको, तुम देखो अंतरा, ट्राई रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, ऐसे में कॉपी में क्या करो, एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें क्या साइन कर दो, 10, ये तो कर ही लोगे। वाई में अभी क्या है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो कन्फर्म है। इसके बाद इसको ऐसे कॉपी में लिख लो, y इज इक्वल टू प्लस प्लस x माइनस, थोड़ा दूर दूर लिखना, फिर यहाँ पर x प्लस प्लस फिर माइनस प्लस प्लस x, ठीक है, यहाँ इतना इसके जो करी लोगे। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो ये वाला कोड पहले रन कराओ, इसके रन करने से क्या होगा अंतरा बताएंगे, ये इंक्रीमेंट का कोड है, मतलब सिंपल x की वैल्यू में 1 का था इंक्रीमेंट हो जाएगा, तब बताओ x की वैल्यू कितना इस समय ऊपर दिख रही है, 10, तो इसमें इंक्रीमेंट होगा 11 हो जाएगा, ठीक। बट रिटर्न वैल्यू चूंकि यूज होगी यहाँ पर माइनस, तो मिलना चाहिए, रिटर्न क्या करेगा, ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है, इन्हीं वैल्यू क्या x की, देखो ऊपर 11, फिर माइनस लिखो, फिर आगे ब्रैकेट में एंट्री मारो। अब ये कोड ब्रैकेट का पहले रन करेगा, ये क्या करेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, सिंपल सा, 11 नहीं बच्चा, x की वैल्यू 11 ऑलरेडी है अभी समय, तो 1 का इंक्रीमेंट होके कितना जाएगा, तो तुमको नहीं दिखाई दे रहा, ये तो 10 हट चुका था ना, अब ये 12 हो जाएगा, और रिटर्न क्या करेगा, पोस्ट फिक्स है, याद रखें 11, तो 12 से पहले वाली वैल्यू क्या थी, 11 रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये बन जाएगा 11 माइनस, फिर ये क्या करेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, x की वैल्यू कितना हो जाएगी अब, इंक्रीमेंट 13, रिटर्न क्या करेगा, तो जब प्रीफिक्स है तो न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो न्यू वैल्यू क्या है, 13, बस हो गया, अब तो मैच है, 11 माइनस 13 कितना होगा, माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 कितना होता है, 13, 13 होगा भाई, मैं 13 सही हूँ, 13 आएगी, यस सर, अभी गलती हो जाएगी, घबराइएगा मत, करना तो पड़ेगा, कॉपी पेन का लेके, कॉपी पेन से नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कॉपी पेन से ही करिएगा तभी होगा, देख के मत बताने की कोशिश करिएगा। चलिए सेव करके रन करा के दिखा देते हैं, ये देखिए वाई का वैल्यू, देखिए भाई एक्स में तो 3 बार इंक्रीमेंट हुआ यार, एक्स तो 13 होना ही होना है, एक्स का क्वेश्चन ही नहीं था कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू तो पता ही है क्या होगा, 13 होगा, तो 3 बार इंक्रीमेंट है, वाई का वैल्यू मेन बता, और वही सेम ऑपरेशन बच्चा डिक्रीमेंट में भी होगा, अगर माइनस माइनस यूज करेगा सेम प्रोसेस, बस इसमें इंक्रीमेंट होता है उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है एवरीवन ऑनलाइन, यस सर, भाई नेक्स्ट, अब जैसे आजकल कंपनी में आप जॉब करिएगा, हर साल रिव्यू होता है, और रिव्यू के बाद है ना अंकित रंजिता सैलरी में क्या किया जाता है, इंक्रीमेंट। अब मान लो मेरे पास एक सैलरी नाम से वेरिएबल है, अब किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, अब अगर सैलरी में कहा जाए कि 5000 तक का हुआ है या 4000 की इंक्रीमेंट, तो उसके कमांड क्या लिखा जाएगा, सैलरी बढ़नी चाहिए, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस क्या 4000, लेकिन इससे अच्छा कमांड क्या होगा, दूसरा वाला जो मैं करने जा रहा हूँ, आपको दिखाया था पहले भी, इसका सेकंड चॉइस ज्यादा बेटर होगा, ये वाला सैलरी प्लस इक्वल टू 4000, इसमें गलती होने का चांस है, इस केस में इसमें गलती होने का चांस है, दोनों से देख लेते हैं क्या, दोनों कमांड से चेक कर लेते हैं, इसको हमने कमेंट कर दिया, कमेंट का मतलब वो पता, अब ये ना तो कंपाइल करेगा ना तो रन करेगा, ये वाला कमांड, अब इस वाले कमांड का आउटपुट देखते हैं, सिस्टम
dot out dot println salary after what increment plus what, ये वाला कोड क्या हम करते हैं इसके ऊपर सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट सेव करिए ऑपरेटर डेमो टू, यही सब है कोडिंग के लिए, यही है मेन कोडिंग, बाकी तो बड़ा आसान है। अरे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मेरी फाइल का नाम क्या हो चुका है? फाइल थ्री, फाइल रन कराइए, देखिए आउटपुट तो कंफर्म है 49,000 आएगा 4,000 का इंक्रीमेंट। मैंने कहा था इससे बेटर वाला कमांड ये पड़ेगा, कौन सा? ये वाला, ये भी वही काम होगा। इसमें सैलरी वेरिएबल कितनी बार यूज कर रहा हूँ? एक बार, और इसमें कितनी बार यूज हुआ था? दो बार। इसका इसमें गलती होने का चांस है, इसमें गलती होने का चांस कम है, सेम ऑपरेशन होगा, आपकी मर्जी दोनों यूज करोगे, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें रिटर्न पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप बच्चा सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस कर दें और चाहे सैलरी प्लस इक्वल टू कर दें, दोनों काम सेम करेगा, रिजल्ट विल नॉट बी चेंज, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटर कौन सा पड़ेगा? सेकंड में, सेकंड बार, नॉट फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर वो तीसरा वाला काम नहीं कर सकते जो प्लस प्लस वाला, एक का इंक्रीमेंट करेगा यार वो, नहीं क्या मतलब, वो तो स्पेशली वन के इंक्रीमेंट के लिए बनाया गया, तो नहीं क्या हो गया, प्लस प्लस सिर्फ एक का इंक्रीमेंट के लिए है, अब नहीं उसमें क्वेश्चन है नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है? एक गाड़ी खरीद के लाए उसमें चार गियर है, पांचवा गियर नहीं लगा सकते क्या? अरे यार चार है गियर दिए गए, पांचवा कैसे लगेगा? प्लस प्लस वाला सिर्फ क्या करेगा? वन का इंक्रीमेंट, मेरा डिमांड क्या था? 4,000 का, तो 4,000 बार लिखना पड़ेगा वो कमांड, तब जाके एक एक करके इंक्रीमेंट कराओगे कि डायरेक्ट 4,000 का कराओगे? वो तो सिर्फ वन के इंक्रीमेंट के लिए वो च्वाइस था, बाकी ये वाला है। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट कहाँ आएगा? जहां सैलरी परसेंट में बढ़ती है बच्चा, 15% का क्या कर दिया गया है सैलरी में इंक्रीमेंट, तो 15% का इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? ये क्या कमांड लिखना है? कमांड टू इंक्रीज सैलरी By what? 15%. इसका कमांड क्या होगा? ये वाला ले लें, ये थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छा आता है, कौन सा? ये वाला, ये जो मेरा है, तो सैलरी इक्वल टू सैलरी इनटू 0.15 ना लिख के आप क्या कर सकते हैं? 15/100 भी कर सकते हैं, तो मैथ हमारी इतनी अच्छी है, हमको मालूम है 15/100 कितना होता है, 0.15, तो भाई 100 लगाने से क्या फायदा, हम सीधे क्या लिखते हैं? 0.15, एक प्रॉब्लम होगी बच्चा, इसके लिए आपको वेरिएबल का टाइप क्या रखना होगा? फ्लोट या डबल रखना होगा, डबल रख दीजिए, कोई फ्लोट रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल करिएगा, डबल फ्लोट एफ लगाना पड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिएगा सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 15% का, नहीं वो प्रोग्राम गलत रन कंपाइल कर दिया, ये हमारा फोर पुराना वाला कंपाइल और रन कर दिया, 45,000 था, अब कितना हो गया? 5,151,750, ये 15% का है। अगर 16% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 16 भी देख लीजिए, तो परसेंट वाला देखने आप पे ये, ठीक है कंफर्म? सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इनटू 0.1। अरे भाई जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पहले निकाला जाए, पिछली बार हमने कहा था 4,000 था, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू थी, आपके बार इंक्रीमेंट वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे? सैलरी का 15% कर दो और सैलरी में क्या कर दो? प्लस। इसका दूसरा वाला कमांड भी नोट कर लें आप, कौन सा? प्लस इक्वल टू वाला, प्लस इक्वल टू वाला कैसे लिखा जाएगा? ऐसे सैलरी प्लस इक्वल टू सैलरी इनटू 0.1, दोनों में से जो बेटर लगे आपको, दोनों कर सकते हैं आप, इसे भी वही काम होगा सेम। ठीक है,
बोले डिवाइड करके करेंगे 500, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर करेगा, आपको रिजल्ट सेम होगा। तब भी डबल लेना पड़ेगा रिजल्ट, क्योंकि तब परसेंट परसेंट में कोई चीज होगा बच्चा, दोनों की डिवाइड का ऑपरेशन आ जाए, समझ लो रिजल्ट का चांसेस क्या है, डबल में आने। मान लो तुम्हारी सैलरी हो गई 52,245.45, तो 0.45 नहीं दिखाएगा, प्रॉब्लम ये है, नहीं डबल लोगे तो। याद रखिएगा अगर इंट इंट का रिजल्ट कैसा पैदा होगा, इंट पैदा होगा, डिवाइड में ही दिक्कत हो जाता है क्या, अगर इंट को डिवाइड इंट से किया जाएगा तो रिजल्ट भी क्या होगा, इंट हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा हमारा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें दोनों में से कोई ये क्या होना चाहिए, डबल ओबल में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, जैसे मेरे पास एक नम वन नम का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू हमने डाल दिया 100, नम टू नम का एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू मैंने डाल दिया मान लो 4, ये 10 है और ये 4 है, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो जब डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी किसमें आने की हो सकती है, डेसिमल पॉइंट पॉइंट में आने की हो सकती है, नहीं कंफर्म है। अब जैसे आपने डायरेक्ट लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल, और यहाँ लिख दीजिए नंबर वन बाई डॉट नंबर टू, अंदर भी प्रिंट चैनल के अंदर भी लिख सकते हैं आप। अब मैं इसे रन कराऊंगा तो दिक्कत क्या मेरे सामने आएगा, नहीं 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 इंट इंट को डिवाइड करने पर रिजल्ट भी कैसा होगा, इंट ही होगा, तो रिजल्ट क्या पैदा हो जाएगा 2, जब हमें चाहिए 2.5, तो दोनों में से अगर एक वैल्यू किसमें होती बच्चा, फ्लोट या डबल में होती, कोई एक कर दो फ्लोट या डबल, जैसे इसको हम किसमें करते हैं डबल में, अब रिजल्ट गारंटी है किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता बच्चा इंट इंट का अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद रिजल्ट भी क्या होगा, इंट होगा, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट, सर एक बार वो फाइल नंबर 4 पे आना ऑपरेटर डेमो 4, ठीक है ना, डबल की जगह एक बार फ्लोट का भी करके दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस यहाँ पर एफ लगाना पड़ेगा 15 से पहले, 0.5 लिखे ना यहाँ पर एफ, इसमें तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो फ्लोट है नहीं इंटीजर है, लेकिन इसमें एफ नहीं लगाओगे चेहरा रह जाएगा, चल गया अच्छी बात, 2.15 लिखा है ना हमने, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा फ्लोट लेने पर, बट यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है जो 0.15 लिखे हो ना, ये कमिट लगा रखा है, कमेंट हटाओ, कमेंट लगाया था ना मैंने, अब कंपाइल करो, एक्चुअली ये 0.15 कौन सा वैल्यू माना जाएगा, कल मैंने बोला था डेसिमल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है डबल, तो रिजल्ट भी कैसा पैदा हुआ डबल, और सैलरी वेरिएबल हमारा कैसा है फ्लोट है, इसलिए यहाँ पर 0.15 से पहले आपको क्या लगाना पड़ जाता एफ, एफ लगा देते तो काम हो जाता, तो एफ लगा दिया अब एरर नहीं आएगी, ठीक है ना, हम लोगों का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है पता है ना, हम लोग चेक करते हैं वो हमारा फॉरेन हाइट में, हम लोग देखते हैं सेल्सियस में भी दिखाता वो, लेकिन हमारी आदत कौन सी है फॉरेनहाइट में क्या होता है 98.6 हमारा नॉर्मल होता है, अब की बार कोविड में लोगों ने खरीद लिया था नापने के लिए बैरोमीटर, और सब लोगों ने अपना थर्मामीटर से नापा था बार बार टेम्परेचर फॉरेनहाइट में, तो हम एक कोड लिखने जा रहे हैं जो हमारे फॉरेनहाइट के टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट कर देगा सेल्सियस, ठीक है, क्या करना है हमारे पास टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर किसमें रहेगा फॉरेनहाइट में, और इसको किसमें बदलेंगे सेल्सियस में,
को डबल ही रखिएगा नहीं तो एफ लगाना पड़ेगा बार बार, है ना। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, टेम्प एफ, और इसमें हमारा टेम्परेचर डालते हैं 98.6, और इसका मैं पहले बता दूं मैथमेटिकली, सेल्सियस होता है 37.0, फार्मूले से निकलेगा, लेकिन आप कभी देखिएगा थर्मामीटर में आपका जो 90.8 से होता है उधर सेल्सियस भी लिखाता है, तो सेल्सियस वैल्यू कितना होती है 37.0, फार्मूला याद है तुमको, मालूम है प्राची तुमको मालूम होगा फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला क्या होता है, सी माइनस कुछ करके होता है ना, 277 कहाँ गया, गूगल करो, गूगल गूगल करो, बताओ मुझे क्या फार्मूला है फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, मैथ का फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग नहीं। तुम्हारी कौन सी क्लास रखता, ये कौन सा बैच है, इसका बैच नया, हाँ क्या नाम आपका, आकाश, 5 to 7 कर दिया उसको, हाँ एक्चुअली इसमें कोई ज्वाइन नहीं किया मैंने, दो बार पूछा पिछले हफ्ते से कोई आई, फॉर्मूला नहीं निकल पाए लैपटॉप पे, बोलो क्या है, और C इक्वल टू सेल्सियस, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, फॉरेनहाइट F माइनस लिखा था मैंने, बोर्ड देखो मेरा F माइनस 32 इनटू ब्रेकर लगा दिया और 5/9, ये फार्मूला हो गया बच्चा, ठीक है, दिस इज द फार्मूला, यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। चलिए फॉर्मूला हमारे सामने है, कुछ नहीं करिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करिएगा, तो डबल टेम्परेचर हमको किसमें चाहिए, सेल्सियस में, इज इक्वल टू टेम्परेचर हमारा कौन सा, फॉरेनहाइट वाला, माइनस 32 इंटू व्हाट, 5/9। अब एक यहाँ टेक्निकल इश्यू आएगा बच्चा, 5 हमारा इंट है और 9 भी इंट, और इंट इंट को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल टेम्प वाट सी, कंपाइल करिए कोड, कोड वाली फाइल मेरी कौन सी है, ऑपरेटर डेमो रन कराइए, 37.0, अगर ये मेरा टेम्परेचर होता 98.9, 37.16, ठीक है, एकदम सही दिखा रहा, अगर मेरा ये टेम्परेचर क्या होता 100 होता, अक्सर होता ना 100 फॉरेनहाइट लोगों का हो जाता है, मेरा 100 मान लो 100 फॉरेनहाइट, इसका सेल्सियस क्या बनेगा, फार्मूला सेम वही लिख दीजिए बात, इसमें कोई आपको नया चीज करना नहीं, इसका देखिए 37.77, वो उसको हम बाद में आगे रिड्यूस करना भी बताएंगे, डेसिमल के दो दो डिजिट तक कैसे लाएंगे, फॉर्मेट चेंज कराएंगे, अभी मत उसके चक्कर में पड़िएगा, अभी सिर्फ लिखना सीखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए
अच्छा एक गड़बड़ी हो जाती, अगर हमने इसको ब्रेकेट में डाल दिया होता ना तो फिर मामला गड़बड़ा जाता, क्योंकि तब ब्रेकेट की प्रायोरिटी बढ़ जाती। तो पहले ये वाला ब्रेकेट रिजॉल्व होता, यानी टेम में से 32 सप्लाई किया जाता, फिर ये वाला ब्रेकेट निकाल देता और 5/9 का इंटीजर इंटीजर होने के रिजल्ट जीरो आ जाता, तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या हो जाता, जीरो। यानी ये गड़बड़ कर देगा, देखिए जीरो आ जाएगा। इसका रीजन क्या मैं बताऊं, फिर से सोचो बच्चा, 5 भी इंट है ना और 9 भी क्या है, और इंट इंट का रिजल्ट क्या जाएगा, इसीलिए मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई करने दो, इसलिए ब्रेकेट में मत लिखिएगा, 5/9 लिखिएगा, जिससे कि क्या होगा जो इधर से रिजल्ट पैदा होगा बच्चा उसमें 5 क्या क्या जाएगा मल्टीप्लाई, और जो उस रिजल्ट पैदा होगा उसमें 9 क्या क्या जाएगा डिवाइड, 9 से डिवाइड किया जाएगा। इसको ध्यान रखना आप लोगों, उल्टा कर लेंगे आप, अगर फॉरेन हाइट को सेल्सियस में बदल दिया तो सेल्सियस को फॉरेन हाइट में भी बदल सकते हैं, उसका फॉर्मूला उसका कोड अलग लिखा जाएगा। आजकल तो इसके आया पाते, आजकल एक टैक्स कैलकुलेटर में बनाना आपको सिखाऊंगा कि जब आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका सैलरी स्लैब होता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है टैक्स, टीडीएस बोलते हम लोगों का कटता है, तो आपका भी कटेगा, इसका एक पूरा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया होता है। थोड़ा सा और स्मार्ट आप बन जाए सीख लें प्रोग्रामिंग तो आप टैक्स कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पीडीएफ ओडीएफ रिपोर्ट जनरेट हो रही है, देखिए कितनी आसानी से हो रही थी, सब मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन समय लगेगा बच्चा। यही आपका कोड वहां भी लिखा जाएगा, ये कोड पीछे मैंने जो क्या बोला था कल, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो लिस्ट बताई थी आपको, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वैल्यू असाइन करने का कमांड, ऑपरेटर वाला कमांड, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर के बिना लगता है आपको कोई एप्लीकेशन बन पाएगा क्या, वेरिएबल के बिना एप्लीकेशन बन जाएगा, सवाल ही नहीं उठता बच्चा, इम्पॉसिबल। ये बेसिक चीजें हैं जिनका जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसमें तो अभी हम बहुत सिंपल कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया है, इसमें बहुत सी चीजें आपको आगे आगे सीखना है, अलग अलग तरह के कमांड होते हैं, कंडीशन अप्लाई करना सिखाऊंगा, जरा एन नंबर आप चुनो, ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत होगी, घबराना मत, मैं थोड़ा टोकूंगा, मेरे टोकने को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक का इंक्रीमेंट मेरे को नहीं समझ में आता, इसमें वन का इंक्रीमेंट होगा ये बताना ही पड़ेगा, है ना, ऑपरेंड पहचान, वो सिर्फ वन का इंक्रीमेंट कहेंगे तो फिर आदत खराब हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आदत हम अभी से खराब करें। जेड में क्या साइन होगा, जेड की वैल्यू बताइए, मॉडुलो ऑपरेटर यूज किया, मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है, रिमाइंडर फाइन करता है, सॉरी स्टोर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू को वाई से डिवाइड करके जो रिमाइंडर जनरेट होगा वो रिटर्न होगा, क्वेश्चन नहीं। किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो चीजें हमें पता चलती है, यही एक ऐसा चीज है जिसमें दो रिजल्ट आता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है और एक रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, ठीक है। अब बताइए जेड में क्या साइन होगा, मॉडुलो ऑपरेटर यूज किया रिमाइंडर वाला, तो 90 को 20 से डिवाइड करिएगा तो 24 / 80 रिमाइंडर बचेगा 10, तो जेड में क्या साइन होगा 10, आपको डिवाइड करना भी देखिए मैं सिखा रहा हूँ, 90 को 26 से डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा रिमाइंडर, कॉपी पेन इस्तेमाल कर लिया करो यार, बेइज्जती करवाते हो, रिमाइंडर 10 आएगा यार, ये तो मैथ है, मैं तो मॉडुलो ऑपरेटर का यूज दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ पर रिमाइंडर के लिए अलग से क्या दे दिया गया है, ऑपरेटर, विच वन, मॉडुलो ऑपरेटर, 10 को मॉडुलो ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है ना, परसेंट और स्लैश का अलग अलग रोल है,
स्लैश अगर मैं लगाता तो क्या रिटर्न होता बच्चा? क्वेश्चन मतलब जो भागफल होता है, और इससे क्या आएगा? शेषफल यानी रिमाइंडर। मॉडुलो ऑपरेटर इज फॉर व्हाट? रिमाइंडर पता करने के लिए। और स्लैश वाला तो मन में आपको, आपका नाम भूल गया बच्चा मैं, सुप्रियो, बताइए देन में क्या साइन होगा? आपकी बार बाई यूज किया है, हाँ डिवाइड किया है, 90 को 20 से डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट होगा वो जेड में असाइन होगा, रिमाइंडर था यार। आपकी डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा ना, कॉपी ले लो, कॉपी से कर लो, 90 को 40, 20 से डिवाइड करने के लिए 24 का 80 4 कॉपी पेन की जरूरत पड़ी सच में आपको? 50 हो, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन जो आप कर रहे हो। हम लोग थोड़ा सा ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो अगर 90 को 20 से डिवाइड करने के लिए कॉपी पेन यूज करना पड़ रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कहता आपकी काबिलियत पे मुझे शक नहीं है बच्चा, है ना, एकदम नहीं, इसको अदरवाइज भी मत लीजिएगा, बट ये हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम लोग स्कूल गोइंग बच्चे नहीं है। खैर फोर पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि दोनों हमारे क्या है, इंट है। अगर एक उसमें से क्या होता, फ्लोट में होता तो रिजल्ट किसमें आता? पॉइंट में आता। ठीक है ना, 90 by 20 तो 24 था 80, पॉइंट में तो जाना नहीं है रंजिता, क्लियर है बच्चा? तो ये ऑपरेटर का थोड़ा यूज देखिएगा, अभी तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर में आया नहीं, अभी मैं कौन सा ऑपरेटर डिस्कस कर रहा हूँ? अरिथमेटिक। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे बच्चा, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, अलग अलग ऑपरेटर समय दिए गए अलग अलग रोल के लिए। और अभी नोटपैड से ही कोडिंग करिएगा, जेडीके का पाथ सेट कर लीजिएगा और हाउ टू सेट पाथ जेडीके गूगल करिएगा, ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा यार। हर चीज के लिए आपको ग्रुप में मैसेज डाल रहना पड़ेगा, खुद से कुछ चीजें करेंगे कर लेंगे आप लोग, बहुत मेहनती जिस हिसाब से आप लोगों को मैंने देखा है कमिटमेंट के साथ, थोड़ा मेरे को झेलने की आदत डालिएगा बस, एकदम मुझे जो झेल लेगा मैं कह देता हूँ मैं कि उसकी प्रोग्रामिंग मैंने सॉलिड करा दी, क्योंकि बच्चा जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैं कोई भी लापरवाही मेरे लिए लगता है कि, क्योंकि आप लोग देखिए नर्सरी वाले बच्चे तो है ना, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं रंजीता, ठीक है बच्चा? मैं चाहूंगा कि मैं आपसे 100% की एक्सपेक्टेशन करूंगा, थोड़ा सा मेरी चीजें आपको खराब भी लगेंगी कि सर ने वो बोल दिया, हम कुछ हमारा भी मतलब यही था, मैंने कहा था ना मेरे को मतलब से नहीं मतलब, एग्जैक्ट से मतलब, प्रिसाइसली और एग्जैक्टली में फर्क जानते हैं, किसी के सर पे एक एप्पल रखिए और निशाना लगवाइए, एप्पल पे ना लग के थोड़ा नीचे लग जाए तो क्या होगा? अरे थोड़ा सा बचा लेकिन वो तो गया, प्रिसाइसली और एग्जैक्टली में यही फर्क होता है, समझते हैं ना, प्रिसाइसली और एग्जैक्टली में, प्रिसाइसली का मतलब हुआ बस थोड़ा सा चूक गया, चूक कहाँ गए? उसके सर पे लग गया, फर्क रियलिस्टिक बनाइए तब समझ में आएगा। और प्रोग्रामिंग बच्चा मेरा नेसिव जॉब करता है डेटाबेस में बच्चा, डेटाबेस का मतलब हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पर उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, इंश्योरेंस कंपनी है, और उस डेटाबेस में क्वेरी फायर करना पड़ता है, जैसे ईएमआई हर अगले महीने की ईएमआई सबकी क्या आएगी, जो मंथली देना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए देना पड़ता है वो कितना आएगा, उसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करना था, उसने गलती से 0.2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितने से, और वो तीन चार जगह से होती हुई क्वेरी गई थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी बड़ी मिस्टेक कर देगा, और क्वेरी फायर हो गई और सबके पास क्लाइंट के पास मेल चला गया, 0.2 वाला हाहाकार मच गया, उस बंदे को फायर कर दिया गया। तो यही है प्रिसाइसली और एग्जैक्टली में फर्क, प्रिसाइसली समझ गए ना, 0.1 0.2 में आदमी सोचेगा कितना फर्क आएगा, बट इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत फर्क आएगा। तो मैं मेरा कहना यह है कि प्रोग्रामिंग बच्चा एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एग्जैक्टली पे आना है, प्रिसाइसली पे नहीं आना, कि मेरा ऑलमोस्ट रिजल्ट यही था, मैं भी यही कहना चाह रहा था अंतरा, अभी थोड़ा गलती होगी बच्चा, है ना, ठीक है मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, ये नहीं ये नहीं, तो इसको कहीं से भी आपको अदरवाइज में नहीं लेना। चलिए थैंक यू, आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए।